का भी आभारी हूँ कि आप मेरे जैसे कम ज्ञान वाले व्यक्ति को सुनने के लिए इतनी संख्या में आए। मैं क्या कह पाऊंगा ये थोड़ी देर में शायद तय हो जाएगा, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से मैं बहुत दुखी हूँ और मेरा दुख इस बात का है कि हिंदुस्तान में एक तरफ तो आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है और दूसरी तरफ उन लोगों का स्वागत किया जा रहा है जिन्होंने हमको गुलाम बनाया। ये मेरे दिल का बहुत बड़ा दुख है। पिछले 5-6 दिन से अखबारों में एक ही चर्चा है, ब्रिटेन की रानी हिंदुस्तान की यात्रा पर, और ब्रिटेन की रानी हिंदुस्तान की यात्रा पर है, वो ऐसे ही नहीं आई है, उनको बुलाया गया। हमारी सरकार ने बाकायदा ब्रिटेन की रानी को हिंदुस्तान में बुलाया और वो भी आजादी की 50वीं सालगिरह पर, जिनके कारण ये देश गुलाम हुआ, जिनके कारण 200-250 साल हम बहुत ही बदनामी का जीवन जीते रहे, जिन्होंने भारतीय समाज को ऊपर से नीचे तक हर हिस्से में तोड़ दिया, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर दिया, जिन्होंने भारतीय खेती को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति का नाश किया, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने के लिए सारी ताकत लगाई और जिन्होंने भारतीय लोगों को ईसाई बनाने के लिए सारी ताकत लगाकर अपने मिशन भेजे, उन लोगों का इस देश में आजादी के 50वें साल में स्वागत होना मेरे जैसे नौजवान के दिल में बहुत गहरी चोट डालता। पंचम आया था, इंग्लैंड का राजा माना जाता, तो 1911 में अगर जॉर्ज पंचम आया तो वो बात मेरे समझ में आती है। क्यों? क्योंकि 1911 में यह देश अंग्रेजों का गुलाम था, 1911 में देश में अंग्रेजों का शासन चलता था, 1911 में देश में अंग्रेजों की सरकार चलती, 1911 में अंग्रेजों के कानून चलते, उनकी व्यवस्था चलती, तो अंग्रेजों का ही शासन था और अंग्रेजों की ही सरकार थी, तो अंग्रेजों की सरकार ने अपने राजा को इस देश में निमंत्रित किया जिसका नाम था जॉर्ज पंचम, और वो आया था इस देश में। हालांकि उस समय भी इस देश के जो क्रांतिकारी लोग, 1911 में महात्मा गांधी इस देश में नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे इसका मतलब यह नहीं था कि देश में क्रांति की आग नहीं जल गई। उस जमाने में देश में दूसरे बड़े नेता थे जो क्रांति की आग को जला रहे थे, लाला लाजपत राय थे पंजाब में, तिलक साहब थे महाराष्ट्र में, बिपिन चंद्र पाल थे बंगाल में, और ऐसे तमाम दूसरे बड़े नेता थे सारे देश में जो अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी बगावत को लेकर चल रहे थे, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर जॉर्ज पंचम का विरोध किया। जॉर्ज पंचम को बहुत आसानी से हिंदुस्तान में आने दिया गया ऐसा नहीं था, जॉर्ज पंचम का बहुत विरोध हुआ था और सारा देश दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ ऐसे लोग थे जो जॉर्ज पंचम का स्वागत कर रहे थे, और जो लोग जॉर्ज पंचम का स्वागत कर रहे थे वो लोग थे जो मानते थे कि अंग्रेज हिंदुस्तान का भला करने के लिए आए, ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान का विकास करने के लिए आई, और अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि हिंदुस्तान का विकास करने के लिए आए हैं इसलिए जॉर्ज पंचम का इस देश में आना बहुत शुभ है, ऐसा मानने वाले बहुत बुद्धिजीवी थे। लेकिन दूसरी तरफ एक और धारा थी जो राष्ट्रवादी धारा थी, ये वो धारा थी जो जॉर्ज पंचम का स्वागत कर रहे थे, साम्राज्यवादी धारा, माने अंग्रेजों के जो दोस्त थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट थे, अंग्रेजी सरकार से जिनको इनाम मिलता था, अंग्रेजों की सरकार जिनको राय बहादुर बनाती थी, वो सारे के सारे लोग जॉर्ज पंचम के समर्थन में थे। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रवादी लोग भी थे जिनके लिए राष्ट्र सबसे पहले था, भारतीय संस्कृति सबसे पहले थी, उनकी अपनी जान, उनका अपना स्वार्थ कुछ भी सामने नहीं था, सिर्फ एक राष्ट्र, देश, संस्कृति, इस देश की अस्मिता, ये सब प्रश्न और ये सब मूल्य उनके सामने थे। तो ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वालों में तिलक साहब थे, बाल
गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, विपिन चंद्र पाल थे, बंगाल की एक पूरी नौजवान पीढ़ी थी, आनंद मठ के आंदोलन में से निकली हुई पूरी नौजवान पीढ़ी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज में से निकली हुई पूरी एक नौजवान पीढ़ी थी। ऐसे तमाम लोग थे, हजारों हजारों लाखों लाखों की संख्या में, जो जॉर्ज पंचम के विरोध में खड़े थे, और ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो जॉर्ज पंचम के समर्थन में खड़े थे। उन्हीं मुट्ठी भर लोगों में से एक खानदान था जिसका नाम था टैगोर खानदान, और उस टैगोर खानदान में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने तो अंग्रेजों के चरण धोने में, अंग्रेजों के थूके चाटने को हिंदुस्तान में गौरव का प्रतीक बना दिया। जो जॉर्ज पंचम इस देश की गुलामी का प्रतीक था, जो जॉर्ज पंचम इस देश की साम्राज्यवादी शक्तियों का एक कठपुतली था, एक नमूना था, उस जॉर्ज पंचम के स्वागत में टैगोर साहब ने खुद एक बड़े से बड़ा गीत लिख डाला। जॉर्ज पंचम का स्वागत जब हुआ कलकत्ता में, तो उस कलकत्ता में टैगोर साहब ने खुद अपने मुंह से वो गीत गाया जो जॉर्ज पंचम के लिए लिखा था। यह घटना मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो महारानी के समर्थन में, जो विदेशी कंपनियों के समर्थन में, जो मानते हैं कि फिर से इस देश में गुलामी आ जाए तो यह देश बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे लोग उस जमाने में भी थे 1911, और उन लोगों ने तो अपनी गुलामी की इंतहा की थी जब जनगणमन अधिनायक जय लिखा था। यह गीत क्यों लिखा गया था? यह गीत जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए लिखा गया था, और जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखे हुए गीत का मतलब आप जानते हैं क्या है? आप में तो बहुत कम लोगों ने गंभीरता से सोचा होगा कि ये गीत जो पिछले कई सालों से हम गाते चले आ रहे हैं, जनगणमन अधिनायक जय, इसका मतलब क्या है और ये क्यों लिखा गया है? 1911 में ब्रिटेन के राजा के स्वागत करने के लिए ये गीत लिखा गया था, और इसका मतलब क्या है? जनगणमन अधिनायक जय, माने हिंदुस्तान की जनता के मन के अधिनायक, माने ब्रिटेन के राजा, तुम्हारी जय हो। जय किसकी बोली जा रही है? हिंदुस्तान की जनता की नहीं, ब्रिटेन के राजा, तुम्हारी जय हो, क्योंकि तुम हिंदुस्तान की जनता के मन के गणों के अधिनायक हो, तुम्हारी जय हो। जनगणमन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, तुम भारत के भाग्य विधाता हो। गुलामी की चरम सीमा है ये। जब टैगोर ने अपनी लेखनी का इस्तेमाल किया, बहुत सारे लोग अपनी लेखनी का दुरुपयोग करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, वैसे ही एक लोग थे टैगोर खानदान के, जिन्होंने अपनी लेखनी चलाई तो हिंदुस्तान के उस व्यक्ति के लिए जिसका इस देश में स्वागत नहीं होना चाहिए था, जिसको इस देश में नहीं आना चाहिए था, उसके लिए गीत लिखने के लिए उन्होंने लेखनी चलाई। तो जनता के मनों के अधिनायक, तुम्हारी जय हो, तुम भारत के भाग्य विधाता हो। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तिरंग, माने ये पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, ये हिंदुस्तान के तमाम इलाके हैं, ये सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। और अंत में जनगणमन अधिनायक जय, भारत मां के विधाता की लाइन को रिपीट करते हुए, जय हे जय हे जय हे, माने हम सब उन्हीं के गान में जय जय करते चले जाए। ये गीत लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर, और इस गीत को सुनाया था उन्होंने उस व्यक्ति के सामने जो हिंदुस्तान की गुलामी का प्रतीक था, और उसके स्वागत में उन्होंने ये गीत गाया था। उसी गीत की प्रशंसा के बाद रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिल गया था, क्योंकि अंग्रेजों की चाटुकारिता जो उन्होंने की, और अंग्रेजी सरकार के सबसे बड़े प्रतिनिधि के लिए उन्होंने जो अपना दिल बिछा दिया, और हिंदुस्तान की गुलामी के सरताज को उन्होंने इस देश में आवकारने का जो काम किया, उसके बदले में इनाम मिला कि उनको राय बहादुरी मिली, और राय बहादुरी के बाद नोबेल प्राइज भी मिला। क्यों मिल गया? ऐसे ही नहीं मिलता। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले, अंग्रेजों को इस देश में आवकारने वाले, अंग्रेजों का सम्मान करने वाले उस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के उन तमाम
शहीदों को, हिंदुस्तान के उन तमाम वीरों को जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने सर्वस्व कुर्बान किए थे, एक झटके से फेंक कर उस अंग्रेज किंग का, उस अंग्रेज राजा का इस देश में अद्भुत तरीके से स्वागत किया गया। और अभी 4 दिन पहले वही गीत गाकर ब्रिटेन की महारानी को उस दिन दिल्ली के एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया। 1911 में यह देश गुलाम था अंग्रेजों का, तो बात समझ में आती है कि चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे इसलिए वो करना हमारी मजबूरी रही होगी। लेकिन आज तो यह देश आजाद है और आजादी के 50 साल की स्वर्ण जयंती मना रहा है, तो आजादी के 50 साल की स्वर्ण जयंती में ऐसे लोगों को बुलाने का और ऐसे लोगों के सम्मान करने का काम था काम जिन्होंने इस देश को 250 साल गुलाम बनाया। और बहुत बेशर्मी के साथ आज भी ये देश दो हिस्सों में बट गया है। बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो रानी के समर्थन में खड़े अपनी कलम और अपनी लेखनी का वैसा ही दुरुपयोग कर रहे हैं जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। बहुत सारे लोग हैं जो ब्रिटेन की कंपनियों के समर्थन में खड़े, जैसे उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन में खड़े होते थे लोग। और बहुत सारे लोग हैं जो मानते थे कि अंग्रेज इस देश का भला करने के लिए आए हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी देश का विकास करने के लिए आई है। ऐसे ही आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मान रहे हैं कि महारानी इस देश का भला करने के लिए आई है, इसलिए महारानी को बुलाया गया। मेरे जैसे आदमी के लिए, मेरे जैसे राष्ट्रवादी के लिए ये हिंदुस्तान की आजादी के 50 साल की स्वर्ण जयंती नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों को गुलामी का समय याद दिलाने की कोशिश है। महारानी को हिंदुस्तान में बुलाया। और वो महारानी हिंदुस्तान आई तो उसके कुछ दिन पहले इस देश के प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने एक वक्तव्य दे दिया। वक्तव्य क्या था कि ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान आने की जरूरत नहीं है। और मैं मानता हूं कि वो उनका बहुत बुद्धिमानी वाला काम था जो उन्होंने किया था कि ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान आने की जरूरत नहीं। जैसे ही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने यह वक्तव्य दिया और ये वक्तव्य यहाँ के अखबारों में छपा और दूसरे देशों के अखबारों में भी छपा, वैसे ही लंदन में हंगामा हुआ। लंदन में हंगामा हुआ, इस समय जो सरकार है टोरीज़, टोनी ब्लेयर जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके कई एमपीज ने हंगामा कर दिया कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की इतनी औकात कैसे है कि महारानी को ये कहे कि वो हिंदुस्तान ना आए। और अगले ही दिन फैक्ट और फैक्ट मैसेज प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंच गए और फिर शाम को उसी प्रधानमंत्री ने अपना वो वक्तव्य बदला और दूसरे दिन अखबार में वक्तव्य आया कि ब्रिटेन की महारानी चाहे तो हिंदुस्तान के किसी भी गांव में जा सकती। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। एक आजाद देश का प्रधानमंत्री अपनी बुद्धिमानी से यह तय करे कि ब्रिटेन की महारानी को इस देश में आने की जरूरत नहीं, फिर वही प्रधानमंत्री विदेशियों के दबाव में आकर और हिंदुस्तान के कुछ तथाकथित ऐसे बुद्धिजीवियों के दबाव में आकर जो ब्रिटेन के पैसे से पलते हैं और पोसे जाते हैं, ये वक्तव्य दे कि ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान के किसी भी गांव में जा सकती। और ले गए उस, कहां ले गए, उस जलियांवाला बाग में जहां इस देश के क्रांतिकारियों की मिट्टी है, जहां इस देश के शहीदों का खून है। उस जलियांवाला बाग की घटना के बारे में शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि 13 अप्रैल 1919 को डायर ने 20,000 क्रांतिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई थी। और उन 20,000 क्रांतिकारियों के ऊपर जब गोलियां चलाई डायर ने, तो उसमें से 2,000 क्रांतिकारी गोलियों से मर गए। और 2,000 क्रांतिकारी गोलियों से मर गए, उसके बाद हजारों लोग भगदड़ में मर गए। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक कुआं था, उस कुएं में कूदे बहुत सारे क्रांतिकारी अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कुएं में गिरने के बाद में बहुत सारे क्रांतिकारी दीवार से दूसरी तरफ पार कूदने के लिए चढ़े, लेकिन दीवार पे चढ़ते चढ़ते गोली लगी और नीचे गिर मर गए। 20,000 लोगों पर 18 राउंड गोलियां चलाई गई। डायर का यह वक्तव्य था कि मेरे पास गोलियां खत्म हो गई थी, अगर और होती तो चलाता और भी जाता। माने उस डायर ने जिसने देश के 2,000 लोगों को मार दिया अपनी गोली से और हजारों लोग मारे गए भगदड़ में, वहां रानी को जाने का मतलब क्या? अंग्रेजों ने अपने अत्याचार की पूरी सीमा दिखाई, वो चरम था। अंग्रेजी शासन के हिंदुस्तानी अत्याचारों का वो चरम बिंदु था जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग।
तो अभी हिंदुस्तान के ऐसे दुम छल्ले लोग जो अंग्रेजों के समर्थक हैं, रानी के समर्थक हैं, कम विदेशी कंपनियों के समर्थक हैं, उन्होंने अभी क्या बयान दिया कि महारानी को वहां ले गए हैं जलियांवाला बाग में माफी मांगने के लिए। काहे की माफी और किसकी माफी? क्या माफी ऐसे मांगी जाती है कि गोली निकालो और किसी को मार दो और वो मर जाए तो उसके बाद कहो आई एम सॉरी? ये कोई मतलब है माफी मांगने का? और ऐसी माफी मांगने के लिए हम कोई बहुत लालायक नहीं है? और पिछले 50 साल में ब्रिटेन ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे ये बात झलकती हो कि उन्होंने प्रायश्चित किया? उस जलियांवाला बाग की जमीन पर ले जाकर रानी ने उस मिट्टी को अपवित्र किया है जो शहीदों के खून से रंगी गई थी 13 अप्रैल 1919, उसका अपमान किया है। हिंदुस्तान में महारानी को बुलाना, मैं हिंदुस्तान के उन सारे शहीदों का अपमान मानता हूं, उन शहीदों की शहादत का अपमान मानता हूं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान दी। ऐसे शहीदों की शहादत का अपमान है हिंदुस्तान में रानी को बुलाना। और हिंदुस्तान की सरकार ने अपने गुलामी को किस तरह से दिखाया है इस देश में, आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन की रानी के सम्मान में दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। वो कार्यक्रम दिल्ली में नेशनल म्यूजियम की तरफ से आयोजित हुआ। तो नेशनल म्यूजियम की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित हुआ रानी के सम्मान में, उस कार्यक्रम के लिए तो निमंत्रण कार्ड छापा गया, निमंत्रण पत्र छापा गया, उसमें रानी का नाम ऊपर है, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का नाम नीचे। इससे ज्यादा राजनीतिक गुलामी का दूसरा कोई सबूत नहीं हो सकता। मेरे देश का राष्ट्रपति अगर एक स्वाभिमानी देश का राष्ट्रपति है, मेरे देश का राष्ट्रपति अगर एक स्वतंत्र देश का राष्ट्रपति है, तो उसका नाम हमेशा ऊपर होना चाहिए। बाहर का कोई भी आदमी है, जरूर हमारा अतिथि है, लेकिन हमारे देश के प्रथम पुरुष से ऊपर नहीं हो सकता, वो नीचे ही होगा। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने अपनी गुलामी का सबूत दिया कि जब रानी का नाम ऊपर था और राष्ट्रपति का नाम नीचे, ये दूसरा गुलामी का सबूत है इस देश। आप मानते रहो कि यह देश आजाद हो गया है, मैं मानता नहीं कि यह देश आजाद हो गया। अगर यह देश आजाद होता तो राष्ट्रपति का नाम ऊपर होता, रानी का नाम नीचे होता। जब यह देश गुलाम था तब यह परंपरा थी। जब यह देश गुलाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे इस देश के। आजादी आई नहीं थी, सन 1946 की बात है, तब उस जमाने में प्रधानमंत्री का नाम नीचे छपता था, इंग्लैंड के राजा का नाम ऊपर छपता था, क्योंकि देश गुलाम था। 1947 में यह देश अगर आजाद हो गया 15 अगस्त को, तो यह दुर्घटना 1997 में कैसे हो गई? और आप इसको कहें कि यह कोई छोटी दुर्घटना, यह कोई अनजाने में हुई दुर्घटना, ऐसा नहीं। बहुत सोच समझकर, बहुत जानबूझकर की गई दुर्घटना है ये, ताकि हिंदुस्तान के लोगों को आज भी बता दिया जाए कि तुम्हारी औकात कहां है। अभी भी रानी तुम्हारी रानी है, हमारी महारानी है, और हमारे राष्ट्रपति उसके नीचे है। और तीसरी बात कि रानी यहां आई है, उसको पासपोर्ट की जरूरत नहीं, बिना पासपोर्ट के रानी हिंदुस्तान में आई। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान में पासपोर्ट की जरूरत क्यों नहीं है? आप अगर इस देश के नागरिक हैं तो आपको अपने देश में पासपोर्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। तो क्या ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की नागरिक है? क्योंकि ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान आने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। और उसको पासपोर्ट की जरूरत छोड़ दीजिए, जब पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, सरकार ने यह कह दिया कि आप बिना पासपोर्ट के आ सकते हैं, तो वीजा की भी जरूरत नहीं है उसको। यह काम तो तब होता है जब कोई अपने देश का नागरिक व्यक्ति अपने देश में सफर करे। आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, मैं हिंदुस्तान का नागरिक। अगर आप बाहर के किसी देश से हिंदुस्तान में आए तो आपको यहां पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। या अपने देश से एक शहर से दूसरे शहर जाए तो आपको इस देश में पासपोर्ट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं, यह माना जाता। और यह शायद हर देश में होता, लेकिन ब्रिटेन की महारानी का हिंदुस्तान में बिना पासपोर्ट के आना क्या बताता?
इतना ही बताता है कि ब्रिटेन की महारानी को इस देश में पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो शायद इसका अर्थ यह भी निकलता है कि ब्रिटेन की महारानी आज भी हिंदुस्तान की नागरिक है, क्योंकि 1946 के पहले वो इस देश की नागरिक होती। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, तीन बार हो चुका है। पंडित नेहरू के जमाने में सन 1961 को महारानी को बुलाया गया, याद करिए, जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं उनको यह घटना याद हो। और 1961 में जब ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान में बुलाया गया था, तब भी यह बहस हुई थी पार्लियामेंट में, और उस बहस में पंडित नेहरू ने यही जवाब दिया था कि ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान आने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो कई एमपी ने यह प्रश्न पूछा था कि क्या हम ये माने कि ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की नागरिक है। पंडित नेहरू चुप्पी लगा गए थे, इस सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया था पार्लियामेंट। वही सवाल अब फिर उठा है कि क्या ब्रिटेन की रानी आई है, उसको हिंदुस्तान में पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो क्या ब्रिटेन की महारानी इस देश की नागरिक है। और अगर यह घटना सिद्ध हुई है तो उससे यही पता चलता है कि वो आज भी इस देश की नागरिक है। तो हमारी आजादी का क्या हुआ? 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे जो कुछ आपने देखा है वो क्या हुआ? फिर जिनसे आपने आजादी हासिल की है उन्हीं लोगों के लिए अगर आपके देश में वही व्यवस्थाएं हैं जो गुलामी के पहले थी, तो कैसे माने कि देश आजाद है? ये देश की राजनीतिक गुलामी का सबसे बड़ा सबूत है जो अभी पिछले 2-3 दिन में आपकी आंखों के सामने आए। हमसे अच्छे तो पाकिस्तानी लोग, जिन्होंने रानी के आने की खबर सुनते ही सबसे बड़ा प्रदर्शन किया कराची एयरपोर्ट, और वहां की सरकार को उन्होंने बता दिया कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना हमारे देश में हुई तो शायद नवाज शरीफ की सरकार को रहना मुश्किल हो जाएगा वहां पार्लियामेंट। हमसे अच्छे तो बोलो, यहां तो देश में सन्नाटा है, कहीं कोई बोलता नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ब्रिटेन की महारानी की यात्रा को अपना प्रश्न नहीं बनाया। इस देश का इतना बड़ा असम्मान हुआ, इस देश की अस्मिता पर प्रश्न लगा दिया कि राष्ट्रपति का नाम नीचे है, रानी का नाम ऊपर है। हिंदुस्तान की किसी राजनीतिक पार्टी ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि यहां तो कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो राष्ट्रवादी कहती हैं अपने आप को, जो हिंदूवादी कहते हैं अपने आप को, वो क्यों मौन है? कांग्रेस ही मौन है समझ में आता है, क्योंकि वो हमेशा से ब्रिटेन के पिट्ठू रहे, वो मौन है तो समझ में आता है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियां क्यों मौन है, जो जिंदगी भर साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने की बात करती रही? सीपीआई और सीपीएम की राजनीतिक पार्टियां वो क्यों चुप है? इसलिए चुप है कि महारानी का आगमन करने में उनके भी मंत्री एयरपोर्ट पर शामिल थे। तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जैसी पार्टियां क्यों चुप है, जो तरह तरह से सम्मान के प्रश्न को इतना बड़ा बना देते हैं, उनको इतनी बड़े अपमान के प्रश्न दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या इस देश में? वो इसलिए चुप है कि उनको लगता है कि आने वाले समय में सत्ता हमारे हाथ में आने वाली है, और उन्होंने ये मान लिया है कि बिना इन विदेशियों के सहयोग के अब सत्ता हाथ में आनी पड़ेगी, इसलिए वो चुप है। तो देश का सम्मान किसको दिखाई दे रहा है, देश की अस्मिता किसको दिखाई दे रही? और ऐसे प्रश्न अगर इस देश में उठाए नहीं जाएंगे तो किन प्रश्नों के लिए हमने ये राजनीतिक पार्टियां बनाई, और किन मूल्यों के लिए इस देश में राजनीतिक गठबंधन चलते? जब देश का सम्मान ही नहीं है, देश की अस्मिता ही नहीं है, तो फिर कौन से प्रश्न हैं जो राजनीतिक पार्टियां हल करना चाहती हैं इस देश में? मैं इंतजार कर रहा हूं पिछले एक हफ्ते से, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है महारानी की यात्रा। उससे अच्छे तो वो लोग हैं देश के जिन्होंने अपनी छोटी शक्ति के आधार पर रानी का विरोध किया। आजादी बचाओ आंदोलन ऐसे ही लोगों में से एक, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, मेरे कम से कम 1,500 साथी उस दिन लाठीचार्ज में घायल हुए जिस दिन रानी एयरपोर्ट पर उतरी, क्योंकि आजादी बचाओ आंदोलन का यह 15 दिन पहले का फैसला था कि अगर रानी उतरेगी तो हम उसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। हिंदुस्तान की माटी में अभी भी वीर है, ये वीर विहीन नहीं हुई है, ये बात हम बताएंगे उसके। और मेरे 1,500 साथियों पर लाठीचार्ज हुआ, और अभी भी उनमें से कई साथी जेल में बंद हैं, पुलिस की हिरासत में। क्यों? क्योंकि हमने राष्ट्रीय प्रश्न उठाया, हमने सत्य उठाया। जो राजनीतिक पार्टियां बोलने में डर रही हैं, ऐसा सच हमने बोला, और ऐसे सच बोलने का इनाम क्या मिला है? लाठीचार्ज और पुलिस की हिरासत।
कई साथी अभी भी दिल्ली में बंद। मैं कल इलाहाबाद में था शाम को और मेरे इलाहाबाद में इमरजेंसी बैठक थी इसी बात के लिए कि जो बंद है उनको छुड़ाया कैसे जाए। मैंने सबसे कहा है कि हमने कोई भीख नहीं मांगी है, हम बेल नहीं करवाएंगे किसी भी साथी को, क्योंकि हमने कोई अपराध नहीं किया है। अगर हम जेल में गए, देखे पुलिस में कितना दम है उनको अंदर रखने की। तो शायद मुझे कल ये याद आ रहा था कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम का विरोध हुआ होगा तब इस देश के सैकड़ों लोग लाठियों से घायल हुए थे, ये मैंने इतिहास में पढ़ा, और सैकड़ों लोगों को अंग्रेजों की पुलिस ने जेल के अंदर बंद कर दिया था क्योंकि जॉर्ज पंचम का विरोध कर रहे थे। आज भी वही हो रहा है। कैसे माने कि 1911 और 1997 में कोई फर्क है? उस जमाने की राजनीतिक पार्टियां जिनमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस के साथ दूसरी राजनीतिक पार्टियां छोटी छोटी पार्टियां थी 1911 में, वो सब रानी के समर्थन में खड़े थे। आज भी कांग्रेस पार्टी और दूसरी छोटी पार्टियां सब रानी के समर्थन में खड़ी, कोई भी विरोध में नहीं। देश में जो 1911 का समय था वही समय। 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगणमन गाया था जॉर्ज पंचम का स्वागत करने के लिए, अभी फिर जनगणमन गाया गया था रानी का स्वागत करने के लिए। 1911 में जॉर्ज पंचम को 21 तोपों की सलामी दी गई थी, अभी फिर 3 दिन पहले रानी को 21 तोपों की सलामी दी गई। 1911 में जॉर्ज पंचम हिंदुस्तान की सरकार का सबसे बड़ा मेहमान था, आज भी महारानी हिंदुस्तान की सरकार की सबसे बड़ी मेहमान है। हिंदुस्तान के सारे प्रोटोकॉल छोड़कर हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री और तमाम मंत्री रानी के आगे पीछे वैसे ही घूम रहे हैं जैसे 1911 में जॉर्ज पंचम के आगे पीछे घूमा करते। और आपको ये खूब सोच समझ कर याद दिलाने के लिए उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। और ब्रिटेन की रानी अकेले नहीं आई, उसके साथ ब्रिटेन की कई बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारी आए हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आए थे जॉर्ज पंचम के साथ। जॉर्ज पंचम अकेला नहीं आया, जॉर्ज पंचम के साथ जहाज भरकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आए थे। रानी अकेली नहीं आई है, उसके साथ ब्रिटेन की तमाम विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारी जहाज भरकर आए हैं। क्यों आए हैं? ताकि ब्रिटेन के उस आर्थिक साम्राज्यवाद को फिर से इस देश में पुख्ता कर सके जो कभी हिंदुस्तान में 1911 के समय में चलता। मेरा दिल पिछले 5-6 साल से बहुत दुखी, पिछले 5-6 दिनों से बहुत दुखी, और यह मेरा सबसे बड़ा दुख। और उससे भी बड़ा दुख यह है कि सारा देश मौन होकर यह तमाशा देख रहा है। गांव गांव गली गली में यह आंदोलन चलना चाहिए था रानी के विरोध का, वो नहीं हुआ। राजनीतिक पार्टियां मौन होकर सुन रही हैं। हिंदुस्तान में राष्ट्रवादी लोग चुप बैठे हैं, राष्ट्रवादी संगठन चुप बैठे हैं, किसी भी संगठन की तरफ से कोई अधिकारी बयान नहीं आया। ये मुझे बहुत दुख लग रहा। और कभी कभी मुझे लगता है कि क्या यह धरती एक तरफ शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले तमाम संगठन है, दूसरी तरफ जिन शहीदों ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी जान दी थी उन शहीदों का अपमान करने वाली रानी जब अमृतसर जाती है तो कोई भूलता नहीं है। आदमी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो गुलाम है कि आजाद, आदमी का कर्म बताता है कि वो गुलाम है और आजाद। हर गलत काम करने का अगर विरोध नहीं करता कोई आदमी तो वो गुलाम, और हर गलत काम करने का विरोध करने की जो हिम्मत करता है वही आजाद है। मेरे माने में आजादी और गुलामी की यही परिभाषा कि जो आदमी अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि ये गलत हो रहा है उस गलत का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता वो सब गुलाम, और जो आदमी गलत को देख रहा है और गलत को गलत कहने की हिम्मत करता वही आजाद है। तो शायद 1911 में भी कुछ लोग ही होंगे मुट्ठी भर जो आजाद मानते होंगे अपने आप को, आज भी 1997 में वही मुट्ठी भर लोग दिखाई देते हैं जो आजाद मानते हैं और रानी का विरोध करते हैं। ये आपके देश में आजादी की 50वीं सालगिरह नहीं मनाई जा रही बल्कि आपको गुलामी के दिनों की याद दिलाई जा रही, और एक एक करके ऐसे ही लोगों को बुलाया जा रहा है जो आपको गुलामी के दिनों की याद दिला सके। ब्रिटेन की महारानी उसमें से एक कदम है। हो सकता है कल को कोई दूसरा व्यक्ति आए, हो सकता है उन्हीं लोगों को बुलाया जाए जिन्होंने इस देश को एक एक करके गुलाम बनाया। हो सकता है पुर्तगालियों की तरफ से कोई राजा आ जाए जिसने कभी अपने खानदान के लोगों ने हिंदुस्तान में शासन किया हो और वो आपको याद दिलाने के लिए आए कि देखो 1498 में हमने वास्को डी गामा को भेजा था इस देश को गुलाम बनाने के लिए, अब फिर हम आए हैं तुमको याद दिलाने के लिए कि तुम हमारी ही गुलामी में हो। सकता है स्पेन के और फ्रांसीसी कुछ लोग आ जाए जो इस देश को फिर वही याद दिलाएं कि तुमको हमने 250-300 साल पहले कैसे बर्बाद किया, अब फिर हम तुमको अपनी शक्ति
ऐसे ही गुलामी के जश्न मनाए जाते हैं। और ये देश की सरकारें जश्न मना रही हैं, राजनीतिक पार्टियां उनमें शरीक हैं। मैं मानता हूं कि ये सब के सब एक साजिश के साथ पूरे देश को गुलाम बनाने में जुटे हुए हैं। और जिस तरह से उस जमाने में टैगोर खानदान और टैगोर जैसे हजारों खानदान होते होंगे जो अंग्रेजों का गान करते होंगे, अंग्रेजों की स्तुतियां गाते होंगे, वैसे लोगों की आज भी इस देश में कमी नहीं है। जिनको अंग्रेजों से कुछ मिलता था, जिनको अंग्रेजी सरकारों से कुछ मिलता था, जिनको लालच रहता था कि अंग्रेजी सरकार का गुणगान करेंगे तो हमको भी राय बहादुरी मिल जाएगी, ऐसे लोगों की आज भी इस देश में कमी नहीं। जो गान गाएंगे विदेशी कंपनियों के, जो गान गाएंगे महारानी के, और ये सिद्ध करेंगे कि महारानी की हिंदुस्तान की यात्रा बहुत जरूरी थी, ऐसा भी कहने वालों की कमी नहीं। लेकिन ये तो आपको अपने विवेक से तय करना होगा, आपको अपनी बुद्धि और विवेक दोनों का इस्तेमाल करके तय करना पड़ेगा कि कौन इस देश के हित चिंतक है और कौन इस देश के वैसे ही द्रोही है जैसा द्रोह कभी टैगोर खानदान ने किया। और मैं मानता हूं कि इस देश में वो गुलामी का गीत आज भी गाया जाता है तो बार बार याद दिलाता है जॉर्ज पंचम। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि कभी भी जनगणमन जैसा भाइया गीत न गाएं। और आपको एक दूसरी बात और बता दूं कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में बाकायदा तय हो गया था कि ये जनगणमन वाला गीत हटा दिया जाएगा, ये रखा नहीं जाएगा, लेकिन बाद में धोखे से आजादी के समय इस देश में ऐसा गठबंधन चला कि वो जनगणमन वाला गीत ही इस देश का राष्ट्रीय गीत इन्होंने बना दिया। और आप सोचिए कि गुलामी के प्रतीक उस गीत को हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत बनाने में समय नहीं लगा, लेकिन वंदे मातरम जैसे गीत को हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत माना जाए इसमें 50 साल लग गए, तब जाके अभी स्वीकार हुआ। ये देश कैसी गुलामी में फंसा हुआ है उसका एक नमूना आप देख सकते हैं। गुलामी शरीर से नहीं होती, गुलामी मन की होती है। शरीर की गुलामी तो ज्यादा खतरनाक नहीं होती, वो आज है कल नहीं रहेगी, परसों चली जाएगी, लेकिन ये जो मन की गुलामी आ जाती है ये पीढ़ियों दर पीढ़ियां चलती चली जाती है, ये खत्म नहीं होती चलती। और उस मानसिक गुलामी का ही प्रतीक है इस देश में आज भी जनगण मन का गाया जाना। और हिंदुस्तान में मानसिक गुलामी का ही दूसरा प्रतीक है कि आजादी के 50 साल के बाद वंदे मातरम का हिंदुस्तान में राष्ट्रीय गीत जैसे स्थान पर आना, ये मानसिक गुलामी के ही प्रतीक। ये तो आजादी के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था वंदे मातरम वाला गीत, लेकिन आजादी के तुरंत बाद हो नहीं पा रहा, और उसके लिए 50 तरह के तर्क उस समय की सरकार ने जुटाए थे, शायद आज भी वही तर्क हिंदुस्तान की सरकार ने जुटाती जो तर्क उस जमाने में दिए जाते। इसलिए मेरा दिल बहुत दुखी कि कैसे होगा इस देश, क्या होगा अगले 5 साल। अगर ऐसे ही मौन के साथ हम सब कुछ स्वीकार करते चले जाएंगे तो हमारे पुरखों ने भी यही किया था जो गलती आप कर रहे हैं। हमारे पुरखों ने इसी मौन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वीकार किया, हमारे पुरखों ने इसी मौन के साथ अंग्रेजों के व्यापार को स्वीकार किया, हमारे पुरखों ने इसी मौन के साथ अंग्रेजों के साम्राज्य को स्वीकार किया, हमारे पुरखों ने इसी मौन के साथ अंग्रेजी शासन व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। वरना यह कोई तर्क मेरे समझ में नहीं आता कि मुट्ठी भर अंग्रेज जिनकी संख्या मुश्किल से 50,000 थी वो 34 करोड़ लोगों के ऊपर 250 साल शासन कर गए, ये बात गले के नीचे उतरती नहीं। अंग्रेजों की सबसे बड़ी संख्या इस देश में थी सन 1942, और 1942 में अंग्रेजों की पूरी संख्या इस देश में 50,000 थी। 50,000 संख्या वाले अंग्रेज 34 करोड़ लोगों के ऊपर शासन करते रहे, ये बात गले के नीचे नहीं उतर। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूं कि वो 34 करोड़ लोग अगर एक लाइन में खड़े होकर फूंक भी मार देते तो 50,000 अंग्रेज उतना उड़ गए होते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं ना, ऐसा हुआ नहीं। उन अंग्रेजों का मौन, उन अंग्रेजों का शासन पूरे मौन के साथ स्वीकार करते चले गए। और ये मौत जो होता है ये गुलामी का ही प्रतीक होता है। हमारे पुरखों ने अगर ठीक से मुंह खोला होता तो मजाल क्या कि अंग्रेज देश पर राज कर जाते, क्योंकि अंग्रेज जब राज करने आए थे तब उनके पास 300-350 सिपाही थे, ज्यादा सिपाही भी नहीं, और हमारे पास एक एक राजा के पास 18,000 की फौजें थी। एक एक राजा चाहता तो अंग्रेजों को मार के भगा दिया होता, लेकिन चूंकि अंग्रेजों का इस देश में स्वागत करने वाले लोग मौजूद थे और अंग्रेजों की दोस्ती करने वाले लोग मौजूद थे, इस देश से गद्दारी करके अंग्रेजों से दोस्ती करने वाले लोग मौजूद थे, इसलिए अंग्रेज इस देश में टिक पाए और शासन कर पाए। वो आज भी
अफगानी का स्वागत करने वाले, विदेशी कंपनियों की तरफदारी करने वाले बहुत सारे लोग आज भी हैं इस देश, उनकी कोई कमी थोड़ी। जिस तरह से उन लोगों को उस जमाने के समाज ने प्रतिष्ठा दे रखी थी, ऐसे ही लोगों को आज भी आपके समाजों में प्रतिष्ठा मिली हुई है। आजादी के 50 साल के बाद कोई आदमी यह लिख सकता है कि विदेशी कंपनियां इस देश के लिए बहुत जरूरी है, तो मैं मानता हूं कि यह मुर्दा समाज की निशानी है, ये मानसिक गुलामी की निशानी है। कि 250 साल के इस देश का इतिहास पढ़ने के बाद भी यह समझ में नहीं आता कि अंग्रेज इस देश का भला कर रहे थे कि इस देश का सत्यानाश कर रहे थे। और दुर्भाग्य से आपको इतिहास भी वही गलत पढ़ाया गया, जिंदगी भर आप गलत इतिहास पढ़ते आए और उस गलत इतिहास के आधार पर गलत चीजें लिखी जा रही हैं और मानते हैं कि यही सही है, जो अंग्रेजों ने पढ़ाया वही सही मानते हैं। असली इतिहास जब उनके सामने आता है तो बिलबिला जाते, पता नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि असली इतिहास उनकी पोल खोलता है और पोल ये खोलता है जिससे पता चलता है कि आप किस पाले में खड़े हैं, अंग्रेजों के पाले में खड़े हैं कि राष्ट्र के पाले में खड़े हैं। अंग्रेजियत का इतिहास, वही गुलामी का इतिहास पढ़ते पढ़ते आज हमारी दृष्टि भी गुलाम हो गई है कि हमको गुलामी दिखाई नहीं देती। हमको लगता है कि यह जो पिंजरा है गुलामी का, वो सोने का बना हुआ देखने लगता, उसके कष्ट नहीं समझ में आते। और इसलिए नहीं समझ में आते कि एक एक घर में से एक एक कुर्बानी दी होती तो समझ में आता। हिंदुस्तान की आजादी की लड़त में कुर्बानी कितने लोगों ने दी, कितने घरों से कुर्बानी हुई, मुश्किल से 2-5 लाख घरों से कुर्बानियां हुई। और जिनके घरों से कुर्बानी हुई है उनको दर्द मालूम है आजादी का क्या है। जिन्होंने कभी कोई कुर्बानी नहीं दी अपने घरों से, वो जानते नहीं कि आजादी का दर्द क्या है। दुनिया के दूसरे देशों में जहां एक एक घर से एक एक कुर्बानी होने के बाद आजादी मिली है, उन देशों में आजादी का दर्द मालूम है कि क्या होती है आजादी। लेकिन हमारे देश में अगर ये कुर्बानी दी होती है एक एक घर से, तो हमको आजादी का दर्द मालूम होता कि आजादी होती क्या। और तब गलती से भी इस देश में अंग्रेजों का समर्थन करने वाले की हम जीत पकड़ सकते थे कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन हम उसको भी सुनते हैं और दूसरी तरफ दूसरे लोगों को भी सुनते हैं। यह हमारी नपुंसकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ऐसे ही पहले थे हमारे पुरखे, मैं बार बार यही मेरे दिल को खाया जाता है कि कैसे 350 अंग्रेज सिपाही हिंदुस्तान के एक एक राजा पर कब्जा करते गए और एक एक राजा अंग्रेजों का गुलाम होता चला गया। कैसे 50,000 अंग्रेजों के अधिकारी हिंदुस्तान के 34 करोड़ लोगों पर शासन करते गए और यह हिंदुस्तान 200-250 साल अंग्रेजों की गुलामी में फंसा रहा। एक ही कारण रहा होगा, हमारा मौन। और उस मौन के बारे में शायद ये कहा जाता है कि स्वीकृति ही मानी जाती है, मौन कभी अस्वीकृति का बनता नहीं है लक्षण, ज्यादा समय में तो स्वीकृति का ही लक्षण बनता है। और शायद अंग्रेजों को यही लगा होगा कि हिंदुस्तानी लोग तो मौन रहते हैं, ये कुछ बोलते नहीं है, जो बोल सकने की स्थिति में है वो अंग्रेजों का गुणगान करते हैं, तो जरूर इस देश में शासन करने का अच्छा मौका। और इसलिए उन्होंने शासन किया इस देश। आज भी महारानी को लगता है कि ये देश तो मौन है, कहीं कोई राजनीतिक पार्टी बोलती नहीं है, कहीं कोई आंदोलन चलता नहीं है, कुछ छुटपुट लोग हैं, कुछ बेवकूफ लोग हैं जो थोड़ा चिल्ला रहे हैं, तो ठीक है चिल्लाने दो, लेकिन समाज के बड़े लोग तो मौन है। तो मौन का मतलब क्या? उनकी स्वीकृति तो रानी आई है हिंदुस्तान। पाकिस्तान में जाने की हिम्मत क्यों नहीं, पाकिस्तान में जाने की हिम्मत क्यों नहीं पड़ गई? पाकिस्तान में जाने की हिम्मत इतनी नहीं पड़ रही है कि वहां के मौलवियों ने फतवा जारी कर दिया कि रानी ने अगर कदम रखा यहां पर तो जिंदा वापस जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, तो डर लग गया। इसलिए वहां जाने का कार्यक्रम बदला जा रहा। हिंदुस्तान में तो किसी ने फतवा जारी नहीं किया। कभी कभी मैं कहता हूं हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जिनको अपनी अस्मिता और अपनी अस्मत का इतना ख्याल तो है, जिनके मन में अभी भी इतना जुनून तो बाकी है अपने देश की अस्मिता के लिए, इतना तो बाकी है कि वो चेतावनी दे सकते हैं। हमने तो ये चेतावनी देने की हिम्मत भी नहीं की। हिंदुस्तान में तो इतने एमएल ग्रुप से उनमें से किसी ने भी चेतावनी देने की हिम्मत नहीं। और ये प्रश्न है जिनको अगर आप अपने दिल से नहीं पूछेंगे, अपने दिल में नहीं पूछेंगे और इन सवालों का जवाब नहीं ढूंढेंगे, तो आने वाले समय में यह देश वही दुर्दिन देखेगा जो अंग्रेजों के जमाने में इस देश में देखिए। जिस तरह से महारानी का स्वागत हो रहा है वो आने वाले समय का सूचक है। और शायद आपको एक जानकारी और दे दूं, अंग्रेजों ने बाकायदा इस देश में घुसने के लिए दरवाजा खोल के रखा। अंग्रेजों की सरकार जब यहां राज करती थी तो उन्होंने एक कानून बनाया
उस कानून का नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, और यह कानून बना था 1897 में। 1897 में यह कानून बना था तो अंग्रेजों की सरकार ने उस कानून में यह व्यवस्था की थी कि अंग्रेजों का कोई भी अधिकारी, अंग्रेजों का कोई भी नागरिक हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता, और अंग्रेजों का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता, अंग्रेजी देश का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता। उसके लिए उन्होंने कानून बनाया था और वो कानून 1897 में पारित हुआ था। वही 1897 का कानून आज भी इस देश में चल रहा 1997 में। इसलिए मुझे समझ में आया कि ब्रिटेन की रानी को हिंदुस्तान में पासपोर्ट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि 1897 के अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के आधार पर कोई भी अंग्रेज व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता, तो माने रानी हिंदुस्तान का नागरिक है। और उस कानून को चैलेंज करने की बात मैंने जैसे आदमी ने सोची कि इसको चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी कल मेरे इलाहाबाद के वकील ने कहा कि राजीव भाई उस कानून की आखिरी लाइन ये कहती है कि जो व्यक्ति इस कानून को चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में उसको 6 महीने की सजा हो जाएगी। माने अंग्रेजों ने इतनी चतुराई के साथ वो कानून बनाया कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस कानून को चैलेंज ना कर सके, और उस समय कोई भी अंग्रेज आदमी को हिंदुस्तान की नागरिकता देने का अधिकार किसको होता था? अंग्रेजों का जो वॉइस राय होता था, बाद में गवर्नर जनरल होने लगा, तो वॉइस राय और गवर्नर जनरल कोई भी अंग्रेज आदमी को हिंदुस्तान की नागरिकता दे सकता था। आज क्या फर्क हुआ है? आज सिर्फ इतना फर्क है कि जो अधिकार वॉइस राय या गवर्नर जनरल को था वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को है, बाकी कोई फर्क नहीं। तो बात समझ में आ गई, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और महारानी का आपस में कुछ चला होगा, उन्होंने तय कर लिया कि मेरा नाम नीचे जाए तो क्या मांगा है, रानी का नाम ऊपर चला जाना चाहिए, और वो गया। और इसको इस देश की सरकार अपनी गलती नहीं मानती, वो मानते नहीं है कि हमने कोई गलती की, बल्कि जो जबरी से कह रहे हैं कि ये ठीक ही किया है हमने, तो वो आप समझ लीजिए अगर हिंदुस्तान की सरकार उसको ठीक मानती है तो इससे भी आगे की बात समझ लीजिए कि रानी इस देश की नागरिक है, और अगर रानी इस देश की नागरिक है तो कभी भी इस देश में राज करने के लिए वैसे ही तैयारी करेगी जैसे अंग्रेजों ने इस देश में राज करने की तैयारी की। क्योंकि कानून है, कानून से उनको इस देश का नागरिक बनने का हक है, और जब तक वो कानून इस देश में है विदेशी लोग नागरिक बन सकते हैं। मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि जो लोग बांग्लादेश के नागरिकों को हिंदुस्तान का नागरिक मानने पर हंगामा करते वो रानी के प्रश्न पर हंगामा क्यों नहीं करते, क्यों चुप है वो? जो चटगांव की पहाड़ियों से आने वाले बांग्लादेशी नागरिक है उनके हिंदुस्तान में नागरिक बनाए जाने पर हंगामा कर सकते वो सारे के सारे संगठन और पार्टियां मौन क्यों है, क्यों नहीं इस प्रश्न पर हंगामा कर रहे हैं? पार्लियामेंट में उनकी छोटी मोटी जमात नहीं है, बहुत बड़ी जमात है, और पार्लियामेंट के बाहर तो उनके पास इतने संगठन है, लेकिन सब मौन है, सब खामोश है। इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा, ऐसे लोगों को इतिहास कभी माफ नहीं करता। धर्मराष्ट्र जब सभा में मौन था और धर्मराष्ट्र के सामने सब कुछ चल रहा था, धर्मराष्ट्र को इस देश के इतिहास ने कभी माफ नहीं किया, और इन शब्दों में धर्मराष्ट्र जैसा ही मानता हूं। तो फिर भी अच्छा था कि उसकी आंखें नहीं थी, अंधा था। इन सबकी तो आंखें होते हुए भी ये अंधे बनकर बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर। उसका अपराध तो माफ किया जा सकता है क्योंकि उसको आंखों से दिखाई नहीं देता था। इनका अपराध हम कैसे माफ कर सकेंगे? आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो कोई छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इतिहास बहुत निर्मम होता है। अगर सोवियत संघ में लेनिन जैसे आदमी को, जिसको एक जमाने में देवता माना जाता था, उस लेनिन की मूर्तियां तोड़ सकते हैं वहां के लोग, तो आने वाले समय में हिंदुस्तान का जो नया इतिहास लिखा जाएगा उसमें इन लोगों को भी जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि जब रानी आई थी तो तुम क्या कर रहे थे। 1961 की बात तो समझ में आती है कि कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी थी नहीं, 1997 की बात कैसे समझे? कांग्रेस तो आज इस देश में पार्टी ही नहीं है, कांग्रेस से ज्यादा शक्तिशाली पार्टियां तो दूसरी हैं, लेकिन सब खामोश है। क्यों? क्योंकि सत्ता की, कुर्सी की ऐसी अंधी दौड़ मची है, किसी को फुर्सत ही नहीं है ऐसे गहरे सवालों पर सोचने की और चिंतन करने, किसी को फुर्सत नहीं। फुर्सत होती तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हंगामा हो गया होता, फुर्सत होती तो हिंदुस्तान की सड़कों पर आंदोलन हो गया होता, फुर्सत होती तो हिंदुस्तान के गली गली गांव गांव में रानी के विरोध में पोस्टर छप गए होते, क्योंकि छपते ही जब उनके अपने मतलब के इश्यूज होते हैं तो गांव गांव में पोस्टर छप जाते हैं, गांव गांव
गांव में पोस्टर बट जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, कहीं से कोई आदेश नहीं है। मैं एक एक से पूछ रहा हूं, तुम्हारे संगठन में ऊपर से कोई आदेश है? नहीं राजीव भाई, इस प्रश्न पर कोई आदेश है। आपकी पार्टी में कहीं कुछ हो रहा? नहीं राजीव भाई, कोई बात भी नहीं हो रही है। क्या हो रहा और कैसे हम सब चुपचाप बैठकर सुन? ऐसे ही मौन से यह देश गुलाम हुआ था, वैसा ही मौन इस देश में पसरा हुआ। और रानी अकेले नहीं आई है, उसके साथ 100-150 विदेशी कंपनियों के अधिकारी आए। वो धनाधन इस देश की सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। विदेशियों को इस देश में खुली छूट है। हिंदुस्तान से रानी के आने के पहले भी विदेशियों को खुली छूट थी, रानी के आने के बाद तो और तेजी से हो गए। और रानी को हिंदुस्तान आने का निमंत्रण किस तरह से दिया गया था उसका एक अंदाजा आप लगाइए। हिंदुस्तान का जो इस समय का वित्त मंत्री है, जिसका नाम है चिदंबरम, ये 1996 में लंदन गया। 2 अक्टूबर 1996 को लंदन में इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट दुनिया भर के अखबारों में छपा, हिंदुस्तान में भी छपा। क्या स्टेटमेंट दिया था? अंग्रेज आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान को 200 साल लूटने के लिए। ये वित्त मंत्री कह रहा, चिदंबरम। अंग्रेज आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान को 200 साल लूटने के लिए। मैं आपको दोबारा निमंत्रण देने आया, आप अगले 200 साल के लिए फिर आइए और इस देश को लूट कर ले जाइए। देयर विल बी अ ह्यूज रिवार्ड फॉर यू, माने आपको बड़ा इनाम मिलेगा इस देश को लूटने के लिए। ये ओपन इन्विटेशन था हिंदुस्तान के वर्तमान वित्त मंत्री का 2 अक्टूबर 1996 को लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसलिए रानी आई, इसलिए रानी के साथ ब्रिटेन के अधिकारी आए और इसलिए उन सारे अधिकारियों को इस देश में भेजा गया है ताकि हिंदुस्तान को लूट के लिए वैसे ही कब्जे में लिया जाए जैसे अंग्रेजों की सरकार ने इस देश को लूटने के लिए कब्जे में लिया था। और एक बात और जान लीजिए कि अंग्रेज हिंदुस्तान में सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं आए थे। बहुत लोगों को यह गलतफहमी है, मुझको भी गलतफहमी है, क्योंकि इतिहास ही गलत लिखा गया। हमारे इतिहास में यह लिखा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए। लेकिन अभी मेरे पास जो दस्तावेज मिले हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आए नहीं थे। व्यापार तो बहाना था, वो असलियत में हिंदुस्तान को ईसाई बनाने के लिए आए। और ये बात मुझे कहां से पता चली? ये बात मुझे पता चली 1813 का लंदन की पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन का एक दस्तावेज मेरे पास है, जिसको मैं अभी छापने वाला हूं। मेरी एक पुस्तक आ रही है, उसका नाम है आजादी के 50 साल या गुलामी के 500 साल। उसमें ऐसे में 5000 से ज्यादा दस्तावेज छापने जा रहा हूं, उनमें से वो एक दस्तावेज। और वो दस्तावेज क्या है? 24 जून 1813 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक डिबेट चल रही है। और डिबेट क्या है? डिबेट का टाइटल है हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया, हिंदुस्तान को क्रिश्चियन कैसे बनाए। और उसी डिबेट का एक दूसरा हिस्सा है जिसको कंक्लूडिंग पार्ट कहते हैं, कंक्लूडिंग डिबेट कहा जाता है। वो डिबेट का दूसरा हिस्सा है हाउ टू प्रोपेगेट क्रिश्चियन रिलीजन इन इंडिया। दोनों एक ही मतलब रखते हैं, हाउ टू प्रोपेगेट क्रिश्चियन रिलीजन इन इंडिया एंड हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया, दोनों का मतलब एक ही, हिंदुस्तान को ईसाई कैसे बनाया जाए और हिंदुस्तान में ईसाई धर्म कैसे फैलाया जाए। 1813 में 24 जून को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बना लिया जाए। और हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बना लिया जाए, जब यह प्रस्ताव पारित होता है तो मेरे जैसे लोगों के कान खड़े हो गए हैं जब से मैंने वो प्रस्ताव पढ़ा कि इस देश में अंग्रेज क्या व्यापार करने आए थे? इस देश में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी माल बेचने के लिए आई? व्यापार करने आए नहीं थे, माल बेचने आए नहीं थे। व्यापार बहाना था, माल बेचना बहाना था। क्योंकि अगर वो सामने से आके आपको कहते कि हम आपको ईसाई बनाने के लिए आए हैं तो शायद आप अपना दरवाजा बंद कर देते। इसलिए वो पहले तराजू लेकर आए थे इस देश में, पहले तराजू लेकर घुसे थे, उसके बाद उन्होंने इस देश में अपना असली रूप दिखाया। और वो डिबेट जब पारित हुई है तो उस डिबेट के समर्थन में 89 वोट पड़े हाउस ऑफ कॉमन्स, और 89 वोट से वो डिबेट पारित हुई, बहस पूरी हुई। उसके बाद अंग्रेजों की पॉलिसी बनी और उस पॉलिसी का मूल वाक्य यह था कि हिंदुस्तान को ईसाई बनाना है। और बाद में अंग्रेजी पार्लियामेंट में जब वो डिबेट पूरी हो रही है तो जितने एमपीज ने डिबेट के समर्थन में वोट दिया सबके भाषण है, 80 पन्ने का डॉक्यूमेंट है मेरे पास, सबके भाषण है। और हर एमपी का भाषण एक ही बात कह रहा कि हमारा मूल उद्देश्य हिंदुस्तान को ईसाई बनाने का है,
ना कि व्यापार करने का। तो उसमें बात क्या चल रही है वो समझ लीजिए, तो आज आपको समझ में आ जाएगा महारानी का हिंदुस्तान में आना। बहस यह चल रही है कि हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश को आसानी से क्रिश्चियन नहीं बनाया जा सकता। तो क्या करना पड़ेगा? तो एक एमपी समझा रहा है कि हमको चरणबद्ध तरीके से, माने स्टेप बाय स्टेप, बड़ी लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और लंबी प्लानिंग क्या होगी? हिंदुस्तान को तब तक ईसाई नहीं बनाया जा सकता जब तक हिंदुस्तानी प्रजा का सत्यानाश ना किया जाए, हिंदुस्तानी प्रजा को बर्बाद ना किया। और हिंदुस्तानी प्रजा को बर्बाद करना क्यों जरूरी है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक एमपी कह रहा है इसलिए जरूरी है कि हिंदुस्तानी प्रजा को आप जब तक गरीब नहीं बनाएंगे, बेरोजगार नहीं बनाएंगे, तब तक ये ईसाई बनने को तैयार नहीं होगी। और वही एमपी कह रहा कि जब यहां की प्रजा गरीब हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएगी, तो गरीब आदमी का बहुत आसानी से धर्म परिवर्तन कराया जा सकता, उसको पैसा देकर धर्म परिवर्तन कराया जा सकता, उसको किसी और तरीके के लालच में देकर धर्म परिवर्तन कराया जा सकता। आज भी इस देश में जितना धर्म परिवर्तन चलता है वो आप देख लीजिए सबसे गरीब आदिवासी इलाकों में ही चलता है, क्योंकि गरीब आदमी बहुत आसानी से धर्म बदलने को तैयार हो जाता है, पेट की आग उसको मजबूर करती है। और उस जमाने की ये पॉलिसी थी अंग्रेजों की सरकार की। तो जब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हिंदुस्तानी प्रजा को गरीब बनाना है, बेरोजगार बनाना है, ताकि हमारे रास्ते में धर्म परिवर्तन का जो काम है वो आसानी से चलता रहे, तभी उन्होंने ये फैसला भी किया था कि हिंदुस्तानी प्रजा को बर्बाद करने के लिए बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया जाए, हिंदुस्तानी इकोनॉमिक सिस्टम को बर्बाद किया जाए। और हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद किया जाएगा? तब एक एमपी है जो जवाब दे रहा है कि बहुत आसान, ये बहुत आसान काम है। और ये कैसे हो जाएगा? तो वो एमपी कह रहा है कि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी को हम आदेश देंगे कि वो हिंदुस्तान में फ्री ट्रेड करे। तो एक दूसरा एमपी पूछ रहा, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड? तो एक एमपी जवाब दे रहा कि फ्री ट्रेड का माने जब ब्रिटेन का माल हिंदुस्तान के गांव गांव में बिकना शुरू हो जाएगा और हिंदुस्तानी माल बिकना बंद हो जाएगा, तब होगा फ्री ट्रेड। दूसरा माने वो समझा रहा है कि फ्री ट्रेड का माने क्या, हिंदुस्तान का कच्चा माल हिंदुस्तान से इंग्लैंड आएगा और इंग्लैंड में वो पक्का माल बनेगा और उसके बाद वापस हिंदुस्तान में बिकेगा, तब होगा फ्री ट्रेड। तो फिर वो एमपी पूछ रहा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है? तो जवाब दिया जा रहा है उसको कि इसका बहुत आसान तरीका है, ब्रिटेन का जितना माल हिंदुस्तान में बिकता है उस सबको टैक्स फ्री कर दो और हिंदुस्तानी कंपनियां जितना माल बनाती है उस पर टैक्स लगा दो। तो हिंदुस्तानी कंपनियों पर टैक्स लगाते चले जाओ तो हिंदुस्तानी कंपनियों का माल महंगा होता चला जाएगा, और ब्रिटेन की कंपनियों का माल टैक्स फ्री कर दो तो वो सस्ता हो जाएगा। तो ब्रिटेन का माल जब सस्ता हो जाएगा तो गांव गांव में ब्रिटेन का माल बिकेगा, और हिंदुस्तानी कंपनियों का माल जब महंगा हो जाएगा तो गांव गांव में हिंदुस्तानी कंपनियों का माल बिकना बंद हो जाएगा। तो ये पॉलिसी उन्होंने चलाई जिसका नाम उन्होंने रखा फ्री ट्रेड, और उस फ्री ट्रेड के लिए बाकायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर इशू किया गया जिस चार्टर का नाम ही था चार्टर फॉर फ्री ट्रेड। और अंग्रेजों के फ्री ट्रेड का माने क्या था कि अंग्रेजों का माल, ब्रिटेन का माल हिंदुस्तान में टैक्स फ्री हो जाए और हिंदुस्तानी कंपनियों पर टैक्स लगाकर उनका माल महंगा बना दिया जाए। तो अंग्रेजों की सरकार ने हिंदुस्तानी व्यापारियों पर टैक्स लगाना शुरू किया। सबसे पहले हिंदुस्तानी व्यापारियों पर अंग्रेजों की सरकार ने जो टैक्स लगाया उसका नाम था उत्पाद का कर, एक्साइज टैक्स। माने जो व्यापारी माल पैदा करते हैं कारखानों में उस माल के उत्पादन पर कर लगाओ, तो उसको अंग्रेजों ने नाम दिया सेंट्रल एक्साइज टैक्स। उसके बाद अंग्रेजों ने तय किया कि जो माल कारखाने में बनता है और बाजार में बिकने के लिए जाता है तो माल की बिक्री पर भी कर लगाओ, अंग्रेजों ने उसका नाम दिया सेल्स टैक्स। तो कारखाने में माल पैदा हो उसके उत्पादन पे कर, और माल जब बिक रहा है तो उसकी बिक्री पे कर, और उसके बाद उस माल की बिक्री से जो आमदनी होगी उस पर भी टैक्स, उसका नाम उन्होंने रखा इनकम टैक्स। और उसके बाद चौथा टैक्स लगाया अंग्रेजों की सरकार ने कि हिंदुस्तान के व्यापारी एक गांव से दूसरे गांव में जो माल ले जाते उस माल के ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स लगाओ। तो अंग्रेजों की सरकार ने दो टैक्स लगाए, एक तो ऑक्ट्रॉय का टैक्स और दूसरा टोल टैक्स।
और ये पांच पांच कर लगा दिए हिंदुस्तान के व्यापारियों पर। नतीजा क्या निकला? हिंदुस्तान की कंपनियां जो माल पैदा करती थी वो बहुत महंगा हो गया, और ब्रिटेन का जितना माल हिंदुस्तान में आता था वो सब टैक्स फ्री हो गया। हिंदुस्तानी कारखाने बंद हो गए और हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए, गरीब हो गए, भुखमरी आई इस देश में, और अंग्रेजों की राज्य व्यवस्था इस देश पर मजबूती से काबिज हुई। दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पांचों टैक्स के कानून अंग्रेजों की सरकार ने इस देश में चलाए थे वो आजादी के 50 साल के बाद भी इस देश में चल रहे। सेंट्रल एक्साइज टैक्स आज भी लगता, सेल्स टैक्स आज भी लगता, इनकम टैक्स आज भी लगता, ऑक्ट्रॉय टैक्स आज भी देना पड़ता और टोल टैक्स आज भी देना पड़ता। हिंदुस्तान की कई राजनीतिक पार्टियों को मैं जानता हूं जिन्होंने चुनाव जीतने के पहले ये वायदे किए थे कि हमको आप एक बार सत्ता में पहुंचा दीजिए, हम टोल टैक्स खत्म कर देंगे, ऑक्ट्रॉय टैक्स खत्म कर देंगे, और कई पार्टियों ने तो यह भी कहा था कि हम सेल्स टैक्स खत्म कर देंगे। लेकिन उन सारी पार्टियों को आपने सत्ता में पहुंचाने के बाद देखा है, एक भी पार्टी ने ना टोल टैक्स खत्म किया, ना ऑक्ट्रॉय खत्म किया और ना सेल्स टैक्स खत्म किया। क्या चाहती है ये पार्टी? जैसे अंग्रेजों की सरकार ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया था वैसे ही बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। और इसलिए मैं ये प्रश्न अपने आप से भी पूछता हूं और आपसे भी पूछता हूं कि अगर 1947 में मान लिया जाए कि यह देश आजाद हो गया तो अंग्रेजों के बनाए हुए वो टैक्स के कानून क्यों चल रहे हैं इस देश में आज? अंग्रेज चले गए अगर 1947 में तो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून भी खत्म हो जाने चाहिए थे 1947 में, वो क्यों नहीं खत्म हुए? और आप में से शायद कुछ लोगों को याद होगा, अंग्रेज इस देश में जब इनकम टैक्स लगाते थे तो इनकम टैक्स की उनकी रेट थी 97%। 100 रुपए की इनकम पर अंग्रेज सरकार 97 रुपए का इनकम टैक्स वसूलती थी, 97% इनकम टैक्स लगता था इस देश। और आजादी आई 1947 के 20-25 साल बाद तक 1970-1972 तक इस देश में 97% इनकम टैक्स लगता रहा, चलता रहा। क्यों चलता है? अंग्रेज तो चले गए 1947 में तो 97% वाला इनकम टैक्स का रेट 1947 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 1947 में नहीं, 1970-1972 तक वो चलता रहा इस देश। क्यों? इसलिए कि आप आजाद नहीं, आप आजाद होते तो वो खत्म हो गया होता। आपने आजादी आई कहां? आपने आजादी ली कहां? आप तो वैसे ही गुलाम है जैसे अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था आपको, कानूनों के तहत आपको गुलाम बनाया था, उन्हीं कानूनों से आज भी आप संचालित हो। कैसे कहें कि ये देश आजाद हो? और उस जमाने में जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट अंग्रेजों ने बनाया, उस टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारियों की ट्रेनिंग होती, उन अधिकारियों की ट्रेनिंग के समय उनको कहा जाता था, एक नीति वाक्य चलता था अंग्रेजों का, अंग्रेजों के जमाने में जितने टैक्सेशन कलेक्शन के ऑफिसर होते थे जो टैक्स वसूल करने का काम करते थे, चाहे इनकम टैक्स के हो, चाहे सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के हो, चाहे ऑक्ट्रॉय के हो, चाहे जिस डिपार्टमेंट के, उन सारे अधिकारियों को एक बात कही जाती थी और याद कराई जाती थी कि आप रेवेन्यू कलेक्शन करें या न करें, टैक्स वसूलें या न वसूलें, आपका मूल काम है हिंदुस्तानी व्यापारियों को इतना परेशान करिए कि वो अपना व्यापार बंद कर दे ताकि अंग्रेजों का व्यापार चले इस देश में। डिपार्टमेंट के उन सारे अधिकारियों को एक बात कही जाती थी और याद कराई जाती थी कि आप रेवेन्यू कलेक्शन करें या न करें, टैक्स वसूलें या न वसूलें, आपका मूल काम है हिंदुस्तानी व्यापारियों को इतना परेशान करिए कि वो अपना व्यापार बंद कर दे ताकि अंग्रेजों का व्यापार चले इस देश में। ये सिखाया था, और ये ट्रेनिंग जो अंग्रेजों के जमाने में टैक्सेशन के डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दी जाती थी वही ट्रेनिंग आज भी चालू है, और आज भी अधिकारियों को यही सिखाया जाता है कि आप टैक्स वसूल कर पाए या न कर पाए, लेकिन आप व्यापारियों को, पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को इतना परेशान करिए कि वो मजबूर होकर अपने कारखाना बंद कर दे। ये अंग्रेजी सरकार की नीति थी, वही नीति इस देश में आज भी चलती है। और आप बताइए, आप में से जो भी आपकी कारखाना चलाता है, आप बताइए एक्साइज वाले आपको परेशान करते हैं कि नहीं करते? आप बताइए इनकम टैक्स वाले आपको परेशान करते हैं कि नहीं करते? आप बताइए आपको सेल्स टैक्स वाले परेशान करते हैं कि नहीं करते? ऑक्ट्रॉय वाले परेशान करते हैं कि नहीं करते? टोल टैक्स वाले परेशान करते हैं नहीं करते? ये व्यापारियों को परेशान करने की नीति अंग्रेजों ने बनाई थी,
वही नीति हिंदुस्तान में आज भी चल रही है आजादी के 50 साल के बाद। कैसे मानेंगे देश आजाद? हिंदुस्तान में एक राजा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त, बाद में वो विक्रमादित्य हो गया और उसको विक्रमादित्य बनाने का काम चाणक्य ने किया था। एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त का झगड़ा हुआ। क्या झगड़ा हुआ? चंद्रगुप्त ने कहा चाणक्य से, चाणक्य प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त राजा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था, वरना चंद्रगुप्त की कोई अपनी हैसियत नहीं थी कि वो राजा बन पाते। तो एक बार चंद्रगुप्त जब राजा हो गया तो चाणक्य के साथ उसने एक बात कही। क्या कहा? उसने कहा कि मुझे अपना खजाना भरना है तो टैक्स बढ़ाना। तो चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त ये गलती कभी दोबारा मत कर देना, मैंने तुमको अगर राजा बनाया है तो तुमको धूल में भी मिला सकता। तो चंद्रगुप्त ने पूछा क्यों? तो चाणक्य ने कहा कि यह बात तुम कान खोलकर सुन लो कि जो राजा टैक्स के कलेक्शन से अपना खजाना भरने का सपना देखता हो उसको एक मिनट राजा रहने का अधिकार नहीं है। तो चंद्रगुप्त ने कहा फिर खजाना कैसे भरेगा? उत्पादकता बढ़ाओ अपने राज्य की, उससे खजाना भरेगा, ना कि व्यापारियों से टैक्स वसूल करके। तो जब यह कहानी मैंने पढ़ी चंद्रगुप्त की और चाणक्य की, तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि पता लगाना चाहिए चाणक्य के जमाने में कितना टैक्स लगता है। चाणक्य ने खुद लिखा है, चाणक्य कहता है कि किसी भी राज्य में अगर 5% से ज्यादा टैक्स लगता है तो वो राज्य राज्य कहने का अधिकारी नहीं है, वहां सिवाय अन्याय के और कुछ हो नहीं सकता। और उसके जमाने में हिंदुस्तान का सुवर्ण युग था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय हिंदुस्तान का गोल्डन पीरियड कहलाता, चाणक्य का जमाना हिंदुस्तान का स्वर्ण युग कहलाता है। क्यों? क्योंकि उस जमाने में कर सबसे कम था, 5% से ज्यादा कर लगता नहीं था कुल मिलाकर, और 5% से कम कर था इसलिए उत्पादकता हिंदुस्तान की उस जमाने में सबसे ज्यादा थी, इसलिए व्यापार हिंदुस्तान का उस जमाने में सबसे ज्यादा था। दुनिया में कुल जितना व्यापार चलता था उसका 1/3 व्यापार अकेले हिंदुस्तान का चलता था उस जमाने। तो इसलिए इतना व्यापार था, इतनी उत्पादकता थी, इतनी समृद्धि थी, और इसलिए इतना कैपिटल फॉर्मेशन था क्योंकि टैक्सेशन बहुत कम थे, टैक्सेशन के कानून बहुत आसान थे। और चाणक्य खुद मानता था कि 5% से ज्यादा अगर टैक्स है तो वो राजा अन्यायी है, इसलिए वो जमाना स्वर्ण युग कहलाता है। अंग्रेजों ने उसको पूरी तरह से खलास किया था, 97% तो सिर्फ उन्होंने इनकम टैक्स लगा दिया था। कुल मिलाकर टोटल टैक्स अंग्रेजों के जमाने में लगभग 127% का बैठता था, इतना टैक्स उन्होंने लगाया। और उसके बारे में जब बहस चली अंग्रेजों के पार्लियामेंट में तो अंग्रेजी सरकार के जो वो थे प्रतिनिधि जो MPs हुआ करते वो कहते थे कि ये दो काम होंगे, जितना टैक्स बढ़ेगा हिंदुस्तानी व्यापारियों पर उसके दो नतीजे निकलेंगे। पहला नतीजा, या तो हिंदुस्तानी व्यापारी खलास हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और या हिंदुस्तानी व्यापारी बेईमान हो जाएंगे। बेईमान क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाओगे तो व्यापारी टैक्स की चोरी करेगा, और व्यापारी अगर टैक्स की चोरी करेगा तो बेईमान हो जाएगा। बेईमान हो जाएगा तो बेईमान आदमी को गुलाम बनाना सबसे आसान होता है, तो वो कहते थे कि गुलाम बनाना उनको आसान हो जाएगा। और या वो हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद ही हो जाएंगे, खलास ही हो जाएंगे, और जब हिंदुस्तानी व्यापारी खलास हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान में फिर अंग्रेजों का ही व्यापार चलेगा और अंग्रेजी कंपनियों का ही माल बिकेगा। तो उन्होंने कहा दोनों ही उद्देश्य हमारे हित में है, इसलिए उन्होंने ये टैक्सेशन के कानून चलाए थे, और वही टैक्सेशन के कानून आजादी के 50 साल के बाद भी चल रहे। जो अंग्रेजों की नीतियां थी कि अंग्रेजों के देश का माल इस देश में आए तो टैक्स फ्री बिके, और हिंदुस्तानी माल जो हिंदुस्तान में बने और बिके उस पर टैक्स लगाया जाए, वही काम पिछले 5 और 6 साल से हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के नाम। पिछले 5-6 साल से क्या चल रहा है? जितना माल विदेशों से आ रहा है उस पर ड्यूटीज खत्म किए जा रहे, इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म किए जा रहे, और बाहर से आने वाले माल पर जब ड्यूटीज खत्म किए जा रहे हैं, टैक्स खत्म किए जा रहे हैं, तो बाहर का माल सस्ता होता चला जा रहा है, और हिंदुस्तानी व्यापारियों पर और हिंदुस्तानी उद्योगपतियों पर वैसे के वैसे ही टैक्स लगे हुए हैं, तो हिंदुस्तानी माल महंगा होता चला जा रहा है। नतीजे क्या निकल रहे हैं? वही नतीजे निकल रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में निकले। हिंदुस्तानी कारखाने बंद होते चले गए, आज भी वही नतीजे निकल रहे हैं कि हिंदुस्तानी कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण दे सकता हूं। विदेशों से स्टील आता है इस देश में, विदेशों से आने वाले स्टील पर ड्यूटी खत्म कर दी है भारत सरकार, कांच
राशि कम कर दी तो विदेशों का स्टील अब बिक रहा है इस देश में बहुत सस्ता, और स्वदेशी स्टील बनाने वाले जो कारखाने हैं उन पर जो ड्यूटीज लगाई गई थी वो वैसी की वैसी ही, उनमें बहुत कम कटौती की गई है। विदेशी स्टील के ऊपर जो ड्यूटी लगती थी इम्पोर्ट की वो बहुत बुरी तरह से कम कर दी। नतीजा क्या निकला है? विदेशों से आने वाला स्टील इस समय 8,000 रुपए टन में बिक रहा है और स्वदेशी स्टील इस देश में 13,000 रुपए टन में बन रहा है। तो स्वदेशी स्टील बनाने वाले कारखाने धीरे 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 बंद होते चले जा रहे हैं, विदेशी स्टील सारे देश के बाजारों में बिक रहा है। और हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का कारखाना है जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रोडक्शन यूनिट बंद होते चले जा रहे हैं क्योंकि उनका स्टील बिकता नहीं, बाहर का स्टील सस्ता है, स्वदेशी स्टील महंगा है। ये नीति अंग्रेजों के जमाने में बनती थी, वही नीति आज आजादी के 50 साल के बाद चल रही है। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण, एक परदेशी कंपनी है वो चश्मा बेचती है, उसका नाम है रेबेन। रेबेन कंपनी के जो चश्मे इस देश में आते हैं उनको भी ड्यूटीज फ्री किया, उनके ऊपर भी टैक्स खत्म कर दिया, काफी कम कर दिया। और उनके ऊपर जब टैक्स कम किया है, काफी कम कर दिया है विदेशों से आने वाले रेबेन के चश्मे पर, तो स्वदेशी चश्मे बनाने वाले हजारों कारखाने बंद हो गए। मुंबई के ही बारे में मुझे कोई भाई बोलता था पालघर के इलाके में, राजीव भाई, वो बोल रहा था कि 1,000 से ज्यादा छोटे प्रोडक्शन यूनिट थे पालघर और आसपास के इलाके में, सब बंद हो गए क्योंकि चश्मा बनाने वाली रेबेन कंपनी का माल टैक्स फ्री है, हिंदुस्तान में लोग जो बनाते हैं उनके ऊपर टैक्स है। और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे और भी उदाहरण, हिंदुस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, हिंदुस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बनाने वाली कंपनियां, उन इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बनाने वाली हमारे देश की कंपनियों पर टैक्स लगे हुए और विदेशों से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियों पर टैक्स खत्म किया। तो विदेशी टेलीविजन सस्ता है, स्वदेशी टेलीविजन महंगा, क्योंकि विदेशी टेलीविजन में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों पर ड्यूटीज खत्म कर दिए गए और हिंदुस्तान में स्वदेशी बनाने वाले उपकरणों पर टैक्स वैसे का वैसे ही लगा, तो वो हजारों हजारों कारखाने बंद हुए। और पिछले 6 साल में हिंदुस्तान में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, कितने कारखाने बंद हुए होंगे, उसका एक आंकड़ा, एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसका नाम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई, हर साल उनकी रिपोर्ट छपती है, इस साल भी छपी, और उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 6 साल में जब से हिंदुस्तान में ये फ्री ट्रेड चला है, ग्लोबलाइजेशन चला है, हर साल औसतन 35 से 40 लाख लोग बेकार हुए हैं हर साल। और अगर हर साल 35 से 40 लाख लोग बेकार हुए हैं तो कितने हजार कारखाने इस देश में बंद हुए होंगे। हिंदुस्तान की सरकार खुद कहती है कि इस देश में 40,000 से ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट पिछले 6 साल में या तो सिंक हो गए या बंद हो। क्यों बंद हो? क्योंकि वो जो माल बनाते थे वो विदेशों से आने लगा, सस्ता आने लगा, तो वो बेचारे कैसे अपना कारखाना चलाएं? ये अंग्रेजों की सरकार की नीति है, वही नीति आजादी के 50 साल के बाद चल रही। इसलिए मैं कहता हूं कि ये देश आज भी उतना ही गुलाम है जितना अंग्रेजों के जमाने में था। अंग्रेजों ने ऐसे ही हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए कुछ और भी नीतियां बनाई थी, कुछ और भी कानून बनाए थे। सन 1865 में अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून इस देश में बनाया था जिसका नाम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और वो कानून अंग्रेजों ने क्यों बनाया? क्योंकि हिंदुस्तान में जो जंगल होते थे वो गांव समाज की संपत्ति होते थे, गांव के लोग जंगलों पर अधिकार रखते, और गांव समाज की संपत्ति होते थे जंगल, तो गांव की पंचायतें फैसला करती थी जंगल के बारे में, जंगल कटेगा कि नहीं कटेगा। अंग्रेजों को हिंदुस्तान के जंगल लूटने थे क्योंकि हिंदुस्तान के जंगलों में बेशकीमती संपत्ति है, हमारी सोने की खदानें जंगलों में, हमारी चांदी की खदानें जंगलों में, हमारी हीरे की खदानें जंगलों में, हमारी कोलसा की खदानें जंगलों में, हमारी हिंदुस्तान की तमाम दूसरी खदानें जंगलों में, आयरन की खदानें जितनी है वो सब जंगलों में है, बेशकीमती लकड़ी भी जंगलों से मिलती है। तो अंग्रेज सरकार को हिंदुस्तान के जंगल कटवाने थे और बर्बाद करने थे, इसके लिए उन्होंने एक कानून बना दिया। उस कानून के चलते क्या हुआ कि पहले जो जंगल गांव समाज की संपत्ति होते थे, ग्राम पंचायत की संपत्ति होते थे, वो जंगल फिर अंग्रेजी सरकार की संपत्ति हो गई, स्टेट प्रॉपर्टी हो गई। और जैसे ही वो जंगल अंग्रेज सरकार की संपत्ति घोषित किए गए, वैसे ही अंग्रेजों की सरकार ने अंधाधुंध जंगल कटवाना शुरू कर दिया। मैं एक बार राजस्थान के एक इलाके में गया था, अलवर के पास, उस इलाके में एक जाति रहती है, उसका नाम है बिश्नोई जाति। बिश्नोई जाति के लोगों के गांव में एक बार मैं गया था व्याख्यान करने, तो वहां के सरपंच से मैंने पूछा कि पहले आप अपने गांव की कहानी मुझे बताइए।
तो सरपंच ने कहा राजीव भाई हम तो आपको बुला के लाए व्याख्यान करने के लिए। मैंने कहा मैं व्याख्यान बाद में करूंगा, पहले आपकी कहानी सुनूंगा। तो उस बिश्नोई गांव के सरपंच ने मुझे बताया कि एक बार हमारे गांव में अंग्रेजों ने कत्लेआम मचा रखा। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि हमारा गांव ये जो बिश्नोई जाति का गांव है इसकी एक विशेषता। मैंने कहा क्या विशेषता? कि हम कभी पेड़ों को कटने नहीं देते, चाहे हमारा आदमी कट जाए लेकिन पेड़ नहीं कट सकते। तो मैंने कहा अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया था? तो उसने बताया कि एक कानून बना दिया था पेड़ काटने का। तो मैं समझ गया कि 1865 के कानून की बात कर। तब उसने बताया कि अंग्रेजों के ठेकेदार आते थे, अंग्रेजों की पुलिस आती और अंग्रेजों की पुलिस हमारे जंगल काटती, हमारे पेड़ काटती। तो हमारे गांव की जाति की महिला पेड़ पकड़ के खड़ी हो जाती, तो पहले महिला कटती थी उसके बाद पेड़ कटता। हजारों हजारों महिलाएं कटी थी उस बिश्नोई जाति के गांव में, हजारों हजारों नौजवान युवक कट गए थे पेड़ों को बचाने के, और अंग्रेजी सरकार ने इतना जुल्म ढाया था हमारे ऊपर। मैंने कहा आपकी बात सुनकर मुझे याद आ गया कि ये कानून 1865 में अंग्रेजों ने बनाया, और उस 1865 के कानून के बाद अंग्रेजों की सरकार ने जंगल कटवाना शुरू किया। तो मैंने कहा आप जानते हैं कि वो कानून हिंदुस्तान में आजादी के 50 साल के बाद भी वैसे ही चल रहा है जैसे अंग्रेजों के जमाने में चला है। अंग्रेजों ने उसमें व्यवस्था क्या की थी कि अगर अंग्रेजों की सरकार चाहे तो जंगल कट सकता, लेकिन कोई हिंदुस्तानी अगर पेड़ काटने की कोशिश करे तो उसको अंग्रेजी सरकार सजा देती, और बहुत आसानी से पेड़ काटने वाले को फांसी की सजा इस देश में दी जाती थी अंग्रेजों के जमाने। तो अंग्रेजों की सरकार तो जंगल कटवाती थी, लेकिन कोई हिंदुस्तानी अगर पेड़ काटे तो उसको सजा दी जाती। वही कानून आज भी इस देश में चल रहा है। अगर आप चाहें तो अपनी सोसाइटी के सामने लगा हुआ पेड़ काट नहीं सकते। अगर आपने काट दिया और आपकी शिकायत कर दी गई डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से तो आपके ऊपर केस चलेगा। और दूसरी तरफ भारत सरकार चाहे तो लाखों करोड़ों पेड़ काटने के लिए लाइसेंस दे सकती है विदेशी कंपनी, और वो मिला हुआ। आप इस देश में एक पेड़ काट नहीं सकते, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ विदेशी कंपनियां हैं जो हर साल करोड़ों करोड़ों पेड़ काटती। एक विदेशी कंपनी है, उसका नाम है ITC। ये कंपनी सिगरेट बनाती, इसकी सिगरेट जो सबसे ज्यादा बिकती है उसका नाम है विल। ऐसी 14-15 सिगरेट इस कंपनी की बनती। इस कंपनी के कारखाने में जितने प्रोडक्शन यूनिट हैं सारे देश में इस कंपनी के 90 अरब सिगरेट बनती है एक साल, और 90 अरब सिगरेट बनाने के लिए इस कंपनी को कागज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तंबाकू तो खेतों से पैदा होती है, तंबाकू के ऊपर जो कागज लपेटा जाता है वो पेड़ काटकर ही बनता है। 500 सिगरेट का कागज बनाने के लिए ये कंपनी एक पेड़ काट देती है, और हर साल ये कंपनी 1400 करोड़ पेड़ काटती, उसको लाइसेंस मिला हुआ। आप अगर एक पेड़ काटें तो आपको जेल हो जाएगी, आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। कौन सा देश है, किस देश में आप रह रहे हैं? ये अत्याचारी कानून अंग्रेजों ने बनाया था और चलाया था समझ में आता है, लेकिन आजादी के 50 साल के बाद भी अगर वही चल रहा है कैसे मानेंगे देश आजाद? अंग्रेजों ने ऐसे ही 1860 में एक कानून बना दिया था, पुलिस का कानून, इंडियन पुलिस सर्विस नाम की एक सर्विस बनाई थी अंग्रेजों, और उसके आधार पर पुलिस का एक्ट बनाया। और वो पुलिस का कानून अंग्रेजों ने क्यों लागू किया इस देश में? 1857 में क्रांति हो गई थी, विद्रोह हो गया, और उस क्रांति में क्या हुआ था? मंगल पांडे नाम के एक हिंदुस्तानी व्यक्ति ने अंग्रेजों के एक पुलिस ऑफिसर को गोली से मार दिया, शूट कर दिया। क्यों? क्योंकि मंगल पांडे को पता चला कि जो कारतूस उसको दिए जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए उसमें गाय की चर्बी लगी रहती, तो गाय की चर्बी लगे हुए कारतूस वो मुंह से खोलना उसको लगता था कि इससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं होगा। तो जो अंग्रेज ऑफिसर उसको वो कारतूस देता था खोलने के लिए, उसी अंग्रेज ऑफिसर की उसने हत्या की, उसके हाथ में बंदूक होती। तो अंग्रेजों की पुलिस परेशान हो गई, अंग्रेजों के सिपाही परेशान हो गए। मंगल पांडे को उन्होंने फांसी दी थी बैरकपुर की छावनी में, और जैसे ही मंगल पांडे को फांसी हुई बैरकपुर की छावनी में, वैसे ही हिंदुस्तान के गांव गांव में गली गली में क्रांति की आग लगना शुरू हो गई। जगह जगह नौजवानों के मंडल खड़े हो गए, पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैल गई, जगह जगह अंग्रेज पुलिस ऑफिसरों को जलाया गया, जगह जगह अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन जला दिए गए, थाने जला दिए गए। अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस चली कि कैसे इस क्रांति को दबाया जाए। तो सबसे पहला काम ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब बहस चली तो हिंदुस्तान में जो ब्रिटेन की सरकार थी उसने क्या किया कि मंगल पांडे एक हिंदुस्तानी आदमी था, उसके हाथ में बंदूक थी,
उस बंदूक से उसने अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को गोली से मार दिया। सबसे पहला काम यह किया जाए कि जितने हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों की फौज में है सबसे बंदूकें छीन ली जाए और उसके बदले उनके हाथ में डंडा पकड़ा दिया जाए। वही डंडा लिए हुए आज भी इस देश का सिपाही घूमता है। आप कभी किसी सिपाही से पूछो कि तुम्हारे हाथ में यह डंडा क्यों है, उसको मालूम नहीं है कि उसके हाथ में डंडा कौन से कानून के। वो कानून अंग्रेजों की सरकार ने बनाया और उसी कानून के बाद अंग्रेजों ने एक दूसरा फैसला और किया कि कोई भी अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर होगा वो अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज करेगा या गोली चलाएगा तो उस हर अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को राइट टू ऑफेंस होगा लेकिन पिटने वाले और मरने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं होगा। ये दूसरा काम उन्होंने किया। तो अंग्रेजों के सिपाही फिर हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज करते और हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों पर गोलियां चलाते। अंग्रेजों के सिपाहियों की गोलियों से जितने हिंदुस्तानी मारे गए कभी किसी अंग्रेज सिपाही को सजा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनको राइट टू ऑफेंस था, मरने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं। और इसके दो दाखिले मैं दे सकता। पहला दाखिला तो वही सैंडर्स नाम के एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया था और लाला लाजपत राय की हत्या की थी। बाद में सैंडर्स के ऊपर जब मुकदमा चलाया गया अंग्रेजी न्यायालय में तो सैंडर्स को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जज ने फैसला क्या सुना? जज ने कहा कि सैंडर्स को राइट टू ऑफेंस था, लाला लाजपत राय को राइट टू डिफेंस नहीं था, इसलिए सैंडर्स को कोई सजा नहीं मिली। दूसरा मुकदमा चला था डायर के ऊपर। 1919 के जलियांवाला बाग में 2000 लोगों को गोली से मार दिया था। डायर के ऊपर केस चला, डायर भी छूट गया। आधार क्या था? अंग्रेजी पुलिस का कानून जिसमें कहा गया डायर को राइट टू ऑफेंस था, मरने वालों को राइट टू डिफेंस नहीं, इसलिए डायर भी छूट गया। और आज आजादी के 50 साल के बाद भी जब जब पुलिस के गोलीकांड होते हैं, जब जब पुलिस के लाठी चार्ज होते हैं, एक भी पुलिस ऑफिसर का आप मुझे नाम बताइए कि आजादी के 50 साल के बाद उसको कोई सजा मिली हो इस बात के लिए कि उसने इतने लोगों को गोली से मार दिया। अंग्रेजों के जमाने में यह होता और आजादी के 50 साल के बाद भी अगर वही हो तो कैसे कहें कि अंग्रेजों के जमाने और आज के जमाने में कोई फर्क है। आज भी पुलिस के लोग गोली चार्ज करते हैं, गोली मारते हैं, चलाते हैं, मर जाते हैं लोग, लाठी चार्ज करते हैं हमारे जैसे लोगों पर, हम घायल होते हैं, तो भी उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर कोई केस नहीं बनता क्योंकि उसको राइट टू ऑफेंस है, पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ काला कानून है, वही इस देश में आजादी के 50 साल के बाद भी चलता। कैसे कहेंगे देश आजाद? 1860 में ऐसे ही अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया था जिसका नाम था इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, और उस इंडियन सिविल सर्विस एक्ट के नाम पर एक कलेक्टर नाम की पोस्ट बनाई। और उस कलेक्टर का काम क्या था? गांव गांव के लोगों से जबरदस्ती रेवेन्यू कलेक्ट करता था, लगान वसूलता, और गांव गांव के लोगों को मार पीट कर उनका लगान वसूला किया जाता था। वही कलेक्टर नाम की पोस्ट जो अंग्रेजों ने बनाई थी 1860 में, वही आज भी चलती है इस देश में। उस इंडियन सिविल सर्विस एक्ट के कानून का नाम बस इतना ही बदला गया है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कर दिया गया, बाकी सब कुछ वही है जो अंग्रेजों के जमाने में चलता। किताबें भी उनको वही पढ़ाई जाती है जो अंग्रेजों के जमाने में पढ़ी जाती है, सिलेबस भी उनका वही है जो अंग्रेजों के जमाने में पढ़ाया जाता। अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी एक अंग्रेज की लिखी हुई जिसका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी, वही जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो अंग्रेजों के जमाने में आईपीएस ऑफिसर्स को पढ़ाई जाती थी, वही आजादी के 50 साल के बाद आज भी पढ़ाई जाती। और वो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल ने बहुत तोड़ मरोड़ कर बहुत ही डिस्टॉर्टेड रूप में लिखी है, वही हिस्ट्री हिंदुस्तान के बड़े बड़े बुद्धिजीवी पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि असली इतिहास वही है जो वो पढ़ रहे हैं अंग्रेजों का लिखा। दुर्भाग्य तो ये है, कैसे कहें कि देश आजाद है? अंग्रेजों ने इस देश में अपनी एक न्याय पद्धति चलाई। उस न्याय पद्धति को चलाने के लिए मैकॉले नाम का एक अधिकारी भेजा गया। मैकॉले के बारे में शायद आप जानते होंगे कि उसने हिंदुस्तान में अंग्रेजी शिक्षण पद्धति लाई। अंग्रेजी शिक्षण पद्धति के अलावा मैकॉले ने हिंदुस्तान में अंग्रेजी न्याय पद्धति भी स्थापित की, और अंग्रेजी न्याय पद्धति के लिए मैकॉले ने सबसे पहला ड्राफ्ट बनाया था जिसका नाम था आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ये इंडियन पीनल कोड आज से 140 साल पुराना है जो आज इस देश में चल रहा है। मैकॉले ने बनाया था इंडियन पीनल कोड का फर्स्ट ड्राफ्ट,
वही इंडियन पीनल कोड आज भी इस देश में चल रहा है जो मैकॉले के जमाने का बना है। और 140 साल पुराने कानून के आधार पर अंग्रेज इस देश में न्याय करते थे, उसी 140 साल पुराने कानून के आधार पर इस देश में आज न्याय किया जाता। उसी तरह से अंग्रेजों ने सीआरपीसी बनाया था और सीपीसी बनाया था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड, और उन्हीं के आधार पर इस देश में सारे न्यायालय चलते। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है लेकिन आत्मा उनकी अंग्रेज है। उनका दुर्भाग्य यह है कि वो हिंदुस्तान में गलती से पैदा हो गए। मैं आपसे सच कह रहा हूं, उनका बस चले तो वो इम्पोर्टेड मम्मी पप्पा लाके पैदा होते थे। हाँ, उनको वीजा नहीं मिलता वरना वो एक मिनट हिंदुस्तान में रहने को तैयार। ऐसे गुलाम मानसिकता वाले इस देश में आपको एक नहीं दसियों हजार लाखों लोग मिल जाएंगे जो पैदा होते हैं इस देश में, खाते इस देश की है, बजाते फिर अमरीका की है और यूरोप की। और फिर ऐसे ही लोगों के मम्मी पप्पा घर से कहते हैं मेरा बेटा अमरीका में, उनको कहते हुए शर्म नहीं आती कि इस देश के साथ गद्दारी करके अपने बच्चों को अमरीका भेजते और फिर गर्व से कहते हैं मेरा बेटा अमरीका में। मेरा बेटा जवान, इनकी गर्दन पकड़कर पूछना चाहिए कि तुम्हारा बेटा पैदा हुआ था क्या, या तुम्हारा बेटा यूरोप में पैदा हुआ, हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ, यहां का पैसा खर्च किया, लाखों लाखों रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ और उसके बाद चला गया अमरीका में और यूरोप में। जब पैसा वापस करने का समय आया तो अमरीका पहुंच गया, यूरोप पहुंच गया। ऐसे गद्दारों के मम्मी पप्पा घर से कहते हैं हमारा बेटा अमरीका में। मैं कभी कभी कहता हूं कि शर्म करिए कि आपका बेटा अमरीका में है, ये गर्व करने की बात नहीं है, गौरव की बात नहीं। किसी दिन वो आपको भी ठुकरा देगा, हो सकता है अमरीका में किसी मम्मी को तलाश ले, पप्पा को तलाश ले। जो अपनी मातृभूमि को ठुकरा सकता है वो अपनी मां को भी ठुकरा देगा, क्योंकि मातृभूमि और मां में कोई फर्क नहीं होता। आप उसको अच्छे नहीं लगेंगे, कोई अमरीकी मम्मी उसको अच्छी लग जाएगी तो वो तो कहेगा कि यही मेरी मां, क्योंकि ऐसे गुलाम लोगों की कमी थोड़ी है। मेरे भी ऐसे कुछ दोस्त हैं जो दुर्भाग्य से मेरे दोस्त हैं, शरीर से हिंदुस्तानी है दिमाग से अंग्रेज। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं राजीव भाई अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो इस देश में न्याय पद्धति नहीं आती। माने अंग्रेज आए तो न्याय आया, अंग्रेज नहीं आते तो कभी न्याय ही नहीं होता इस देश में। तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए अक्सर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि जब अंग्रेज आए तो कौन सा न्याय मिला और जब अंग्रेज नहीं थे तो इस देश में कौन सा न्याय मिलता। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की ही कहानी। एक बार उसके राज्य में दो महिलाओं में झगड़ा हो गया, एक छोटा सा बच्चा था, दो महिलाएं, एक मां कहती थी ये मेरा था, दूसरी मां कहती थी मेरा। दोनों का झगड़ा राजा के दरबार में गया। राजा ने अपनी जुडिशियल काउंसिल बुलाई, जुडिशियल काउंसिल के सामने वो मुकदमा पेश हुआ और उस मुकदमे में राजा ने एक मां से कहा कि तुम सिद्ध करोगे ये बच्चा तुम्हारा। तो एक मां खड़ी हो गई, उसने सिद्ध कर दिया ये मेरा बच्चा। फिर उसने दूसरी मां से कहा कि अब तुम सिद्ध करोगे ये बच्चा तुम्हारा। दूसरी मां खड़ी हो गई, उसने भी सिद्ध कर दिया कि ये मेरा बच्चा। राजा धर्म संकट में पड़ गया, कौन असली मां है कौन नकली मां है, कैसे फैसला किया। उसने कहा तलवार ले और इस बच्चे को आधा आधा काट दे, आधा एक मां को दे दो आधा दूसरी मां को। जैसे ही तलवार मंगाई और बच्चे को काटने के लिए उठाई वैसे ही असली मां खड़ी हो गई, क्योंकि असली मां अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। तो उसने कहा कि नहीं नहीं काटिए मत बच्चे को, ये दूसरे को दे दीजिए, कम से कम जिंदा तो रहेगा। राजा को पता चल गया कि यही इसकी असली मां है, तो उसने उस बच्चे को असली मां को सौंप दिया। इस पूरे मुकदमे का फैसला करने में मुश्किल से 2.5 मिनट लगा राजा। और अगर इसी केस को लेकर आज आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, तो कम से कम 20 साल लग जाएंगे, ये फैसला नहीं हो पाएगा कि कौन असली मां है और कौन नकली मां है। और हो सकता है 20 साल में दोनों माताएं मर जाएं, बच्चा भी मर जाए, लेकिन मुकदमा चलता ही रहेगा। तो जब अंग्रेज नहीं थे इस देश में तो कौन सी न्याय पद्धति थी कि 2.5 मिनट में न्याय मिलता था, और जब अंग्रेज आए तो कौन सी न्याय पद्धति लेकर आए जहां 20 साल में भी न्याय नहीं मिलता, मुकदमे दर मुकदमे चलते ही चले जाते हैं। ये अंग्रेजों की बनाई हुई न्याय पद्धति है जिसके तहत 1984 के भोपाल हत्याकांड में 10,000 लोग मर गए एक ही रात में और पिछले 14 साल में लाखों लोग बर्बाद हो गए हैं, लेकिन आज तक फैसला नहीं हो पाया कि उसका जिम्मेदार कौन। ये अंग्रेजों की न्याय पद्धति। अगर हिंदुस्तानी
इंसानी न्याय पद्धति होती तो सन 1984 में ही फैसला हो गया होता कि इसका जिम्मेदार कौन है और इसकी पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी। लेकिन अंग्रेजों की न्याय पद्धति है कि हो सकता है और 20 साल ये समय गुजर जाए, आप भूल जाएंगे कि कभी भोपाल नाम का भी कोई हत्याकांड इस देश में हुआ। मैं कौन कहा करता कि जिस न्याय पद्धति को मैं हिंदुस्तान में ला रहा हूं, अगर ये एक बार लागू हो गई तो इस देश की प्रजा को न्याय नहीं मिलेगा, मुकदमे चलते रहेंगे, कभी न्याय नहीं मिलेगा। और मुकदमे चलते रहेंगे तो किस आधार पर? आईपीसी के आधार पर, सीआरपीसी के आधार पर, सीपीसी के आधार पर, कानूनों के आधार पर कभी भी न्याय नहीं होता। कानूनों के आधार पर मुकदमे के फैसले होते, और अगर कानून के आधार पर न्याय मिलता तो अंग्रेजों की और यूरोप की कौम अपने यहां न्याय दे पाती। कभी न्याय नहीं मिला यूरोप की कौम को, अंग्रेजिया की कौम, क्योंकि कानून के आधार पर मुकदमों के फैसले होते हैं, कभी न्याय नहीं मिलता। तो हमने इन सारे स्थानों को न्यायालय कहना क्यों शुरू किया? कहीं भी न्याय तो मिलता नहीं, हर जगह तो कानून के आधार पर मुकदमे के फैसले होते हैं, तो हम इनको न्यायालय क्यों कहें? इनको तो कायदालय कहना चाहिए या कानूनालय कहना चाहिए, क्योंकि वहां तो कायदे के आधार पर, कानून के आधार पर मुकदमों के फैसले होते हैं, न्याय कहां मिलता? जैसे मैं उदाहरण दूं, 16 साल से ऊपर का अगर बैल है तो उसको काट देना चाहिए, यह कानून तो हो सकता है, लेकिन न्याय कहां? क्योंकि अगर 16 साल से ऊपर मेरी मां है, मेरे बाप है, मेरे बुजुर्ग हो गए हैं, उनको काट देना चाहिए क्या? क्योंकि गाय बूढ़ी हो गई है, क्योंकि बैल बूढ़ा हो गया, इसलिए काट देना चाहिए, तो ये न्याय तो नहीं हुआ। कानून के आधार पर फैसला हो गया कि बूढ़े गाय बैल को काट देना चाहिए, न्याय कहां है? न्याय में और फैसले में बहुत फर्क है। तो यहां तो कानून के आधार पर फैसले हो सकते हैं, न्याय नहीं मिलता। तो मैं कहता हूं कि इन सब जगहों के नाम बदलने चाहिए। आप देखते हैं जगह जगह न्यायालय लिखा हुआ है, वो सब हटा के कायदालय लिखना चाहिए या कानूनालय लिखना चाहिए। न्याय होगा रहा है, अन्याय ही अन्याय तो हो रहा। और अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए थे अपने अधिकारियों को छोड़ने के लिए, अंग्रेजों के जमाने में इस देश में भयंकर करप्शन था, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, रॉबर्ट क्लाइव सबसे करप्ट अंग्रेज ऑफिसर था। रॉबर्ट क्लाइव जितने समय इस देश में रहा उतने समय में उसने 1500 करोड़ रुपए के घोटाले किए, और उस 1500 करोड़ के घोटाले के बावजूद रॉबर्ट क्लाइव छूट गया। क्यों? कानून ऐसे थे अंग्रेजों के जमाने, वही आज भी है कि करोड़ों करोड़ों के घोटाले करने वाले नेता भी इस देश में छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि कानून अंग्रेजों के बनाए हुए, उन कानूनों के आधार पर अंग्रेजों के ऑफिसर छूट जाते थे, उन्हीं कानूनों के आधार पर हिंदुस्तान के सारे बड़े नेता छूट जाते हैं, चाहे जितने बड़े से बड़ा करप्शन करें। और आप में से बहुत लोग भूल भी जाते हैं कि क्या हुआ। आज की बात को छोड़ दीजिए, आज से 20, 25, 30 साल पहले एक नागरवाला कांड हुआ। किसको याद है कि नागरवाला को क्या सजा हुई? एक मुंद्रा कांड हुआ था, किसको याद है कि मुंद्रा को कौन सी सजा हुई? और ये दोनों आदमी पंडित नेहरू के खास आदमी माने जाते थे, नागरवाला और मुंद्रा, लेकिन दोनों को ही सजा नहीं हुई। और इतने बड़े घोटाले किए थे उस जमाने में इन लोगों ने, लेकिन कोई सजा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कानून अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए, जिसमें अंग्रेज ऑफिसर छूटते थे उसी कानून में ये छूट। टीटी कृष्णमाचारी का घोटाला हुआ, कितने लोगों को याद है कि टीटी कृष्णमाचारी को कोई सजा हुई थी? बस इतना हुआ था कि उनको इस्तीफा देना पड़ा था, बाकी कोई सजा नहीं हुई थी। और ऐसे तमाम घोटाले मैं आपको याद दिला सकता हूं, सिर्फ आज के नहीं, उस जमाने में जब हिंदुस्तान में माना जाता था कि यह पहली सरकार है और यह पहली सरकारें करप्शन नहीं करती, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, आज की तो बात छोड़ दीजिए। उस जमाने में हिंदुस्तान में दो बड़े घोटाले हुए थे, एक हुआ था चेक पिस्तौल कांड और दूसरा हुआ था जीप खरीदने का कांड। चेक पिस्तौल ऐसी खरीदी गई थी जो चलती नहीं थी और करोड़ों डॉलर उसका पेमेंट कर दिया गया, और जीपें ऐसी खरीदी गई थी आर्मी के लिए, उन जीपों में कोई दम नहीं था, वो जीपें टूट जाती थी बाद। और इन दोनों बड़े घोटालों में हिंदुस्तान के 3 बड़े मंत्री फंसे हुए थे, लेकिन उनमें से कभी किसी को सजा नहीं हुई। आज भी वही हो रहा, हवाला घोटाले में कितने लोग फंसे, सब छूट गए हैं। आधार क्या था? अंग्रेजों के जमाने के जिस कानून के आधार पर अंग्रेज ऑफिसर छूटते थे उसी कानूनों के आधार पर ये सब छूट रहे। तो करप्शन तो हो नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार जानबूझकर
ऐसे कानून डाल कर गई है जिन कानूनों के आधार पर अंग्रेज ऑफिसर्स को करप्शन करने की छूट मिलती थी, उन्हीं कानूनों के आधार पर हिंदुस्तान के राजनेताओं को आज करप्शन करने की छूट मिली। करप्शन बंद कैसे? जब तक वो कानून चलेंगे, जब तक ऐसी व्यवस्था चलेगी, तब तक करप्शन दूर कैसे हो सकता? ऐसी न्याय की पद्धति उन्होंने डाली जो सरासर अन्याय कर रही है, और हम 50 साल से घोटे चले जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों मुकदमे कोर्टों में पेंडिंग पड़े हैं, कभी फैसले नहीं होते हैं उनके। कौन सी न्याय पद्धति है? कैसी आजादी है? ऐसे ही अंग्रेजों ने इस देश को बर्बाद करने के लिए शिक्षण व्यवस्था चलाई। मैं कॉलेज को मैं कभी माफ नहीं कर सकता दोस्त के दो कर्मों के लिए। पहला काम जो उसने किया, हिंदुस्तानी न्याय पद्धति का नाश करके अंग्रेजी न्याय पद्धति लाई, और दूसरा नाश मैकॉले ने किया था, हिंदुस्तानी शिक्षा पद्धति का नाश करके अंग्रेजियत की शिक्षण पद्धति इस देश में उसने चलाई। और अंग्रेजियत की शिक्षण पद्धति जो मैकॉले ने चलाई थी, मैं आपको दुर्भाग्य की एक दूसरी बात बताऊं कि मैकॉले के जमाने में वो चल नहीं पाई। मैकॉले ने जितने कॉन्वेंट स्कूल खोले इस देश में अंग्रेजी के प्रचार के लिए, एक भी नहीं चला, सब बंद हो गए। लेकिन मैकॉले के जाने के बाद 1947 से 1997 के बीच में हजारों कॉन्वेंट स्कूल इस देश में चल रहे हैं। मैकॉले की आत्मा चला रही है शायद वो स्कूल। और कैसे कैसे कॉन्वेंट स्कूल है जरा सुनिए। बंबई में मैंने एक कॉन्वेंट स्कूल देखा है जिसका नाम है बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल। स्कूल से क्या लेना देना है, लेकिन है बंबई में। हो सकता है कुछ दिन के बाद आपको पता चले गणपति बप्पा कॉन्वेंट स्कूल। मैकॉले तो मर गया, लेकिन मैकॉले की आत्मा जिंदा। 1835 में मैकॉले ने एजुकेशन ड्राफ्ट तैयार किया और उसकी नीति बना। उस नीति में उसने किया क्या था? अंग्रेजी के स्कूल इस देश में तब चलेंगे जब हिंदुस्तान में संस्कृत के जो गुरुकुल चलते हैं उनको बंद कर दिया जाए। ये मैकॉले कहा था। मैकॉले ने दूसरी बात और कही, वो ये कहता था कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, उसका न्यूक्लियस कौन है, केंद्र बिंदु कौन है? तो वो कहता था गुरुकुल है। क्यों? तो वो कहता था कि गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़कर बाहर जाते हैं, समाज के नागरिक बनते हैं, गुरुकुलों से जो संस्कार लेकर जाते हैं उसी संस्कार के आधार पर समाज चलता है और उसी से संस्कृति बनती है। इसलिए गुरुकुल हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति के केंद्र बिंदु है। इन गुरुकुलों का नाश करना बहुत जरूरी है ताकि अंग्रेजियत की शिक्षण पद्धति इस देश में चले। तो उसने क्या किया था? एजुकेशन एक्ट बनाया। पहले एजुकेशन ड्राफ्ट बनाया, फिर एजुकेशन ड्राफ्ट के आधार पर एजुकेशन एक्ट बनाया। उस एजुकेशन एक्ट में उसने क्या किया कि हिंदुस्तान में जो संस्कृत के गुरुकुल चलते थे उनको पाबंदी लगा दी। मैकॉले कानून से पाबंदी लगा, और संस्कृत पढ़ाने वाले आचार्यों को बंद कर दिया, उन पर पाबंदी लगा, और संस्कृत के गुरुकुलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को डिग्री नहीं मिली। 25-25 साल वो संस्कृत के विद्यालय में पढ़ते रहे, उनको डिग्री नहीं मिलेगी, और 5-6 साल अगर अंग्रेजी के स्कूल में पढ़ लें तो उनको डिग्री मिल जाएगी। ऐसी व्यवस्था उसने बनाई, और गांव गांव में अंग्रेजी का प्रचार करवाना शुरू किया। और उस अंग्रेजी के प्रचार के लिए उसने एक हिंदुस्तानी व्यक्ति को खड़ा किया था जिसका नाम था राजा राम मोहन राय। हो सकता है अब तक आप इतिहास में पढ़ते आए हो कि राजा राम मोहन राय ने देश का बड़ा सुधारा किया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने देश का जितना अत्याचार किया उतना शायद किसी दूसरे आदमी ने। क्योंकि ये राजा राम मोहन राय नाम का ही व्यक्ति था जिसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर हिंदुस्तान के गांव गांव में अंग्रेजी स्कूलों को खुलना चाहिए इसका प्रचार किया। और राजा राम मोहन राय था कौन? हिंदुस्तान में जो अंग्रेजी इतिहास लिखा है ना जेम्स मिल जैसे लोगों, उस अंग्रेजी इतिहास में राजा राम मोहन राय का स्थान बहुत ऊंचा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की मदद करता, अंग्रेजों का एजेंट, इसलिए अंग्रेज उसी के इतिहास का गुणगान करे। और आज भी बहुत सारे ऐसे कथित तथाकथित इतिहासकार हैं जो इन्हीं का नाम ले लेके बार बार कहते हैं कि राजा राम मोहन राय ने तो सुधारा किया है, सुधारा नहीं सत्यानाश किया है। और अंग्रेज क्या कहा करते थे? अंग्रेज कहते थे कि अगर हम गांव गांव जाके अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे, कॉन्वेंट स्कूल खोलेंगे, तो भारतीय जनता हम पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए एक हिंदुस्तानी एजेंट खड़ा करो, उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाओ। तो राजा राम मोहन राय हो गए गांव गांव में, गली गली में, जिले जिले में प्रचार करने का काम अंग्रेजी शिक्षा का उस आदमी ने किया। और उसके बाद अंग्रेजों ने स्कूल खोले, कॉन्वेंट स्कूल। लेकिन दुर्भाग्य क्या था,
कि अंग्रेजों के जमाने तक इस देश में कॉन्वेंट स्कूल सफल नहीं हो पाए जितना अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में सफल हो। और मैं यही कहता हूं कि मैकॉले तो मर गया लेकिन मैकॉले की आत्मा हम सबके अंदर बैठी हुई है, और वो मैकॉले की आत्मा ही बैठी हुई है। जब मैं लोगों से सुनता हूं और बात करते हैं लोग, राजीव भाई हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, कॉन्वेंट में पढ़ता, बड़े गर्व से कहते हैं कि राजीव भाई हमने तो बच्चे का एडमिशन कॉन्वेंट में करवा दिया। मैंने कहा काहे को पढ़ाते हैं कॉन्वेंट में, तो सर क्या देते हैं कि राजीव भाई कॉन्वेंट में पढ़ने से बच्चे स्मार्ट हो जाते हैं। तो मैंने कहा स्मार्टनेस की आपकी परिभाषा क्या है? तो बहुत से लोग बता नहीं पाते कि स्मार्टनेस का माने क्या है। तो कुछ लोग क्या देते हैं कि कुछ नहीं आता। अरे राजीव भाई कम से कम इतना तो आ जाता है कि वो टाई लगाना सीख जाते हैं। तो मैं पूछता हूं कि आप अकल के इतने दुश्मन हैं और आंख के इतने अंधे हैं, आपने कभी सोचा है कि ये टाई क्यों लगाते थे अंग्रेज? यूरोप में टाई क्यों लगाई जाती है? इंग्लैंड में टाई क्यों लगाई जाती है? क्यों उन्होंने टाई लगाने की परंपरा शुरू की अपने देशों? इसलिए उनके देशों में टाई लगाई जाती है क्योंकि यूरोप के सभी देशों में, इंग्लैंड भी उसमें शामिल है, भयंकर सर्दी पड़ती है। और इतनी सर्दी पड़ती है कि एक साल में 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता, 7-8 महीने तक सूरज नहीं निकलता। तो जिन देशों में भयंकर सर्दी पड़ती है उन लोगों को बहुत सर्दी जुकाम होता रहता है, और जब बार बार सर्दी होती है नाक चलती है तो जेब से रूमाल निकाल निकाल के नाक पोंछनी पड़ती है। तो उन्होंने सुविधा के लिए एक रूमाल गर्दन में बांध लिया ताकि बार बार उसके नाक पोंछ, इसलिए उन्होंने अपने देश में टाई चलाई। अंग्रेजों ने इसलिए टाई चलाई अपने देश में, और टाई का मतलब ही यही होता, टाई का मतलब होता है गर्दन के चारों तरफ लटकने वाला एक रूमाल, जिसका इस्तेमाल क्या है, नाक पोंछने से ज्यादा और क्या इस्तेमाल उसका हो सकता। तो इंग्लैंड के लोग उसको लटकाते हैं समझ में आता है, यूरोप के लोग लटकाते हैं समझ में आता है, क्योंकि बहुत सर्दी जुकाम होता है, बहुत ठंडी पड़ती है। हमने काहे को लटकवा दी अपने बच्चों के गर्दन में? यहां तो साल में 9 महीने गर्मी पड़ती है, और साल में 9 महीने जिन देशों में गर्मी पड़ती है उन देश के बच्चों के शरीर थोड़े खुले खुले रहने चाहिए। हम तो कस के टाई बांध के उनका गर्दन भी बंद कर देते, लेकिन ये बेवकूफी है, ये इडियोसिटी जो अंग्रेजियत के स्कूलों में तैयार। और दूसरी इडियोसिटी क्या आई है कि इस देश के लोग 3-पीस सूट और पहन लेते हैं ऊपर से टाई लगा। भयंकर गर्मी पड़ती है, साल में 9 महीने गर्मी पड़ती है, और मैं जानता हूं कि सूट पहनने वालों को भी अंदर से पसीना आता होगा, लेकिन जब पसीना आता है तो करते क्या है, एसी चला के बैठ जाते हैं। ये नहीं कि सूट उतार के फेंक दे, लेकिन एसी चला के बैठ के सूट पहन, दिमाग की गुलामी देख। और इस देश की अंग्रेजियत की गुलामी का एक दूसरा निशान वर्तूंगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लड़कों की जब शादियां होती है तो 3-पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चलते, घोड़े का और 3-पीस सूट का क्या रिश्ता है? टाई और 3-पीस सूट के पहनकर घोड़े पे नहीं चढ़ा जाता, घोड़े पे चढ़ने की पोशाक ही दूसरी होती है, लेकिन दिमाग की गुलामी इतनी जबरदस्त है कि उसी को पहन के घोड़े पे चढ़ते। एक बार मैं मेरे एक दोस्त की शादी में गया तो मैंने कहा देख तू मुझे अपनी शादी में मत ले चल, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। कहने लगा यार चल तो सही। मैंने कहा अगर तेने सूट पहना और टाई लगाई तो फिर समझ लेना। तो पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में वही पहन के चढ़ गया। मैंने कहा क्यों, पहले तो मना किया था कि नहीं पहनूंगा। कह लगा राजीव भाई क्या बताऊं, अगर मैं 3-पीस सूट और टाई नहीं लगाऊंगा तो मेरी बीवी मुझसे ब्याह नहीं करेगी। तो मैंने कहा तैने अपनी बीवी से ये पूछ लिया है कि तू अगर 3-पीस सूट और टाई पहनेगा तो तेरी बीवी स्कर्ट पहनने को तैयार है? क्योंकि यूरोप की परंपरा में अगर पुरुष 3-पीस सूट और टाई पहनता है तो महिला उसके साथ स्कर्ट पहन के घूमती है। तो तू अपनी बीवी से पूछ कि वो साड़ी पहनना छोड़ दे, स्कर्ट पहनकर घूमेगी तेरे साथ? कहने लगा यार ये तो मैंने सोचा नहीं। मैंने कहा फिर ये आधा आधा चक्कर क्या है, तू तो हो रहा है अंग्रेज और तेरी बीवी को हिंदुस्तानी रखेगा, ये खिचड़ी तो कभी नहीं पकने वाली। या तो बीवी भी तेरी अंग्रेज हो जाए, तू भी अंग्रेज हो जाए तब तो समझ में आता, या दोनों हिंदुस्तानी हो जाए तब समझ में आता। ये आधा आधा चक्कर तो बड़ा गड़बड़ वाला, लेकिन है इस देश में।
पता नहीं पत्नियां कैसे बर्दाश्त करती हैं अपने पतियों को कि वो थ्री पीस सूट और टाई लगा के घूमते हैं लेकिन खुद साड़ी पहनती है, कभी मिडी नहीं पहनती, कभी स्कर्ट नहीं पहनती लेकिन खुद साड़ी पहनती है। पतियों को अंग्रेज बनाने तो सब तैयार है, ये सिर्फ मानसिक गुलामी है और कुछ नहीं। स्मार्टनेस कभी सूट बूट से नहीं आती, स्मार्टनेस टाई लगाने से नहीं आती, स्मार्टनेस की परिभाषा तो हिंदुस्तान में कुछ और है, दिमाग की बुद्धि से आती है, ज्ञान से आती है। कपड़े पहनकर अगर किसी आदमी का परिचय करना आपने शुरू किया तो जिंदगी में हमेशा धोखा खाएंगे, क्योंकि इस देश में जितने कपड़े से आगे हैं वो बहुत बड़ा हुआ है, फकीर जो इस देश में है वो ऊंचे माने जाते हैं। अगर कपड़ा ही पहनने वाले लोगों पर आप पहचान करना शुरू करेंगे तो भगवान महावीर स्वामी में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, अगर कपड़े पहनने वालों की पहचान करेंगे तो कबीर में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, रैदास में कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस देश की तो परंपरा है कि जो फकीर हुआ है वो इस देश में ऊंचा हुआ, जिसने त्याग किया है वो ऊंचा हुआ है। कपड़े पहनने वाले इस देश में कभी ऊंचे नहीं हुए। भगवान राम भी जब तक राजकुमार थे और महल में रहते थे कोई नहीं जानता था उन्हें, और महल त्याग दिया, कपड़े छोड़ दिए, वन वन घूमे 14 साल तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। सिद्धार्थ नाम का राजकुमार जब महल में रहता था कोई नहीं जानता था, महल छोड़कर निकल गया तपस्या के रास्ते पर, कपड़े भी छोड़ दिए और सब छोड़ दिया तो भगवान हो क्यों हो। कपड़े पहनने से आदमी की पहचान नहीं हो। महात्मा गांधी भी थ्री पीस सूट और टाई लगाते थे, नौकरी करते थे जोहान्सबर्ग, उसके बाद महात्मा कब हुए, जब लंगोटी धारण की थी और एक ही लंगोटी में पूरा शरीर लपेटते थे तब महात्मा हुए थे, थ्री पीस सूट और टाई लगा के महात्मा नहीं। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है जो आप कपड़े में किसी की स्मार्टनेस तलाश करें। स्मार्टनेस कपड़े में नहीं होती है, दिमाग में होती है, बुद्धि में होती है, कर्म में होती है, चरित्र में होती है। स्मार्टनेस किसमें देखी जाती है? हो सकता है चरित्र से बर्बाद हो। इस देश में तो दुर्भाग्य यही कि जो चरित्र से बर्बाद है, लंपट है, लुच्चा है, गुंडा है, बस बढ़िया थ्री पीस सूट और टाई लगाए हुए है तो जय जयकार है। और हो सकता है दिखने में फकीर जैसा लगता हो, बेवकूफ जैसा लगता हो, उल्टे सीधे कपड़े पहनता हो लेकिन दिमाग उसका किसी सातवें आसमान से भी ऊपर चलता हो तो आप तो उसको बुद्धू कर देंगे। सबसे बड़ा धोखा तो आप यही खा रहे हैं कि किसी के कपड़े की पहचान से आप स्मार्टनेस तय कर रहे हैं, इसलिए ये बेवकूफी में से बाहर निकल आइए। आपके बच्चे टाई लगा के स्मार्ट नहीं बन रहे, ईडियट बन रहे। और ये अंग्रेजियत की ही देन है आपके देश को कि जिस देश में साल में 9 महीने गर्मी पड़ती हो उस देश के लोग मोजे चढ़ाकर जूते पहने, ये अंग्रेजियत की देन। और क्या होता है जब गर्मी पड़ती है तो पैर में पसीना आता है, पैर में पसीना आता है तो मोजा उससे भीगता है, फिर उसके बाद जब मोजा उतारा जाता है तो पूरे घर में उसकी बदबू आती है लेकिन मोजा पहनना बंद नहीं करते, वो चढ़ाए चढ़ाए घूमते रहते हैं। कहां से आई है ये गुलामी? इसी अंग्रेजियत के सिस्टम में से, इसी कॉन्वेंटियन एजुकेशन में से। तो आपके बच्चे स्मार्ट बनने नहीं जा रहे हैं, इडियट बनने जा रहे हैं उन अंग्रेजी के स्कूलों में जब आप भेजते। बहुत सारे लोग मुझको तर्क देते हैं राजीव भाई अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, और मैं उनको कहता हूं कि इस समय दुनिया में 200 देश हैं और 200 देशों में से मात्र 12 देशों में अंग्रेजी चलती है, 188 देश ऐसे हैं जिनमें अंग्रेजी चलती नहीं। अगर दुनिया के 150 देशों में अंग्रेजी चलती तो मैं मानता कि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज, मुश्किल से 12 देशों में अंग्रेजी चलती और 188 देशों में अंग्रेजी चलती नहीं, उन देशों की अपनी मातृभाषाएं चलती, इसलिए इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है अंग्रेजी। कभी कभी लोग कहते हैं कि अंग्रेजी बहुत समृद्ध भाषा है, मुझे बहुत लोग तर्क देते हैं कि राजीव भाई जो शब्दावली अंग्रेजी में है वो कहीं किसी भाषा में हो नहीं सकती, उससे बड़ा बेवकूफ मैं किसी को मानता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी ये गिनने की कोशिश नहीं की कि अंग्रेजी में शब्द कितने, कुल मिलाकर अंग्रेजी में कितने शब्द हैं। मुश्किल से अंग्रेजी में इस समय कुल मिलाकर मूल शब्द ओरिजिनल शब्द 12,000 हैं बस, और आपको मालूम है गुजराती में कितने शब्द हैं मूल शब्द आज की तारीख, गुजराती में 40,000 शब्द हैं, तो गुजराती बड़ी है कि अंग्रेजी बड़ी। मराठी में कितने हैं, मराठी में 48,000 शब्द हैं, अंग्रेजी में मात्र 12,000 हैं, अंग्रेजी से 4 गुना ज्यादा मराठी में और अंग्रेजी से 3.5 गुना ज्यादा गुजराती, और हिंदी में कितने 72,000 शब्द हैं हिंदी, और संस्कृत में कितने 1.5 लाख शब्द हैं संस्कृत।
और अंग्रेजी को मैं दुनिया की सबसे रद्दी भाषा मानता। पता है क्यों? अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है। क्यों नहीं है शब्द? काका भी अंकल, ताऊ भी अंकल, मामा भी अंकल, मौसा भी अंकल, फूफा भी अंकल और फूफा के फूफा भी अंकल, सब अंकल। काकी भी आंटी, मौसी भी आंटी, मामी भी आंटी, फूफी भी आंटी, फूफी की फूफी भी आंटी, सब आंटी। आप जरा मुझे बताइए कि मौसा में और फूफा में फर्क है कि नहीं है? मौसी में और मामी में फर्क है कि नहीं है? क्या आप मौसी को मामी बना सकते हैं, या फूफा को मौसा बना सकते हैं, या मौसा को फूफा बना सकते हैं? ये अंग्रेज तो बना लेते हैं, सब उनके अंकल हैं, सब उनकी आंटी। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास शब्द ही नहीं है अपने रिश्तों को कहने के लिए। और जिस भाषा में अपने रिश्तों को कहने के लिए शब्द नहीं होते, वो दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। और ये अंग्रेजी कैसी बेवकूफी की भाषा है! आप इंग्लैंड में जाइए, कोई आपसे कहेगा टुडे, टुडे माने आज, TODAY। और आप चले जाइए ऑस्ट्रेलिया में तो आपको कहेगा टुडा, टुडा, टुडा। मतलब क्या? TO2 और DIE, डाई माने मरने के लिए। कह रहा है टुडे, लेकिन आपको सुनाई देगा टुडा है, टुडा है, टुडा है। मतलब क्या? ब्रिटेन में एक प्रोनंसिएशन, ऑस्ट्रेलिया में दूसरा प्रोनंसिएशन, कनाडा में चले जाइए तीसरा प्रोनंसिएशन। जिस भाषा के शब्दों के उच्चारण बदलते हो एक देश से दूसरे देश में, वो दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। और इसलिए भी दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है अंग्रेजी, कि अंग्रेजी की व्याकरण कभी भी एक जैसी नहीं रहती, अंग्रेजी के शब्दों की स्पेलिंग कभी भी एक जैसी नहीं रहती। 17वीं शताब्दी में दिस लिखा जाता था TIS, आज लिखा जाता है THIS। क्यों? 17वीं शताब्दी में यू लिखा जाता था THOU, दाओ, आज लिखा जाता है YOU। क्यों? जो 17वीं शताब्दी में, वही संस्कृत में हजार साल पहले जो लिखा जाता था, वही हजार साल बाद लिखा जाता है, और अगले हजार साल बाद भी वही लिखा जाएगा। ये अंग्रेजी एक ऐसी घनचक्करी भाषा है जिसमें हर बार शब्द के स्पेलिंग बदलते हैं, हर बार शब्दों के व्याकरण बदलते हैं। इस भाषा को कैसे हम कहेंगे ये दुनिया की अच्छी भाषा? और सबसे आखिरी बात, अंग्रेजी इसलिए भी बर्बादी भाषा है कि ये आपकी मौलिक चिंतन की शक्ति को रोक देती है। आपको मालूम नहीं है, जब आपके बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो उनके ऊपर कितना कष्ट होगा। आप अगर आपके घर में गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, और आपके बच्चे को कोई सवाल दीजिए गुजराती में और मराठी में, वो जितनी जल्दी याद करेगा, अगर उसी सवाल को अंग्रेजी में दे दीजिए तो उससे 6 गुना ज्यादा समय लगेगा उसी सवाल को याद करने। अगर गुजराती और मराठी में कोई बच्चा 1 घंटे में सवाल याद कर सकता है, तो वही सवाल अंग्रेजी में 6 घंटे में उसको याद होगा। और याद नहीं होगा, वो रटेगा उसको, और रटने के बाद इम्तहान में लिख आएगा। इम्तहान में लिख कर आने के 1 दिन बाद पूछ लीजिए कि तुमने कल क्या लिखा, उसको कुछ नहीं मालूम उसने कल क्या लिखा। कक्षा 8 में जिस बच्चे ने अभी छमाही इम्तहान दिया, 3 महीने बाद पूछ लीजिए क्या लिखा है तुमने, उसको कुछ नहीं मालूम। कक्षा 7 में वो क्या पढ़कर आया है, उसको कुछ भी याद नहीं है कक्षा 7 में उसने क्या पढ़ा। क्यों? क्योंकि आपने अंग्रेजी के बहाने उसको पोपट बना दिया, तोता बना दिया। रटो, 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 याद नहीं कर रहा, रट रहा। और रटी हुई चीज कभी भी याद नहीं होती, वो हमेशा भूलेगा बच्चा। तो आप तो अपने बच्चे को गधा बना गए, इंटेलिजेंट बनाने के नाम पर आप उसको गधा बना गए। और कैसा गधा बनाते हैं ये अंग्रेजी स्कूल वाले लोग, उसका उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरा बचपन ऐसे ही स्कूल में बीता, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं मेरे माँ और पिताजी को मानता हूं, कि अपनी झूठी शान के लिए उन्होंने मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया। उसका नतीजा क्या निकला मैं एक ही उदाहरण से समझाता हूं। मैं जब कक्षा 9 में पढ़ता था अंग्रेजी के स्कूल में, तो मुझे गणित पढ़ाया जाता था, मार मार के मुझे 2 फॉर्मूले याद कराए गए, x + y² = x² + 2xy + y², x - y² = x² - 2xy². अब क्या होता था कि रटने के चक्कर में प्लस का माइनस करता था, माइनस का प्लस करता था, और हमेशा घन चक्कर होता था। तो फिर मेरी पिटाई होती, मार खाता, बेइज्जती होती। और एक बार ये हालत हो गई कि मेरे माँ बाप ने मेरा ट्यूशन लगा दिया, और ट्यूशन लगा दिया 6 महीने सब काम बंद करके, मैंने ये 2 ही फॉर्मूले रटे,
और 6 महीने जिन दो फार्मूलों को रटने में मैंने बर्बाद किया, आज जिंदगी के इतने साल के बाद मुझे मालूम नहीं कि उनका कहां इस्तेमाल करूं, क्या इस्तेमाल करूं। मैंने जिन दो चीजों के लिए मैंने 6 महीने का समय बर्बाद किया, बेइज्जती हुई मेरी क्लास में, पिटाई हुई मेरी, बर्बादी हुई मेरे समय की, लाखों लाखों हजारों हजारों घंटे मेरे बर्बाद हो गए, टेंशन इतना लिया मैंने दिमाग में, उन दोनों का मैं करूं क्या? वो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मेरे किसी काम में नहीं आता। और इसके विपरीत आपको एक दूसरी बात बताऊं, मेरे ही अपने जीवन की, मेरी दादी ने मुझको एक पहाड़ा सिखाया, एक पहाड़ा डेढ़ गुना, ढाई गुना, पौने तीन गुना, साढ़े तीन गुना, चार गुना, और ये पहाड़ा मेरे जीवन में हर समय काम में आता, जहां भी जाता हूं हर समय मेरी दादी का पढ़ाया हुआ पहाड़ा मुझे काम आता। लेकिन मेरे पीएचडी होल्डर अध्यापकों ने जो पढ़ाया वो कभी जीवन में काम नहीं आया। तो किसको मैं बड़ा कहूं, मेरी दादी ज्यादा पढ़ी लिखी है कि ये पीएचडी होल्डर अध्यापक ज्यादा पढ़े? लेकिन दुर्भाग्य क्या है, आज की परिभाषा में मेरी दादी तो साक्षर ही नहीं है, क्योंकि वो लिख नहीं सकती। इसका माने आपने टेलीविजन पर रोज देखा, साक्षर माने क्या है, जो का लिख सके, जो खा लिख सके, जो एबीसी भी लिख सके वो साक्षर, और जो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ मुझे पढ़ाती है तो साक्षर नहीं, और जिन्होंने मुझे साक्षर बना भी दिया वो मेरे जीवन में कभी काम आने वाला नहीं। तो मैं कहूं किसको साक्षर, किसको साक्षरता की जरूरत है, मेरे पीएचडी होल्डर उस अध्यापक को या मेरी दादी को? और आपको एक दूसरी राज की बात और बता दूं, ज्ञान का डिग्री से कोई रिश्ता नहीं। ये सबसे बड़ी भूल हम करते हैं, हमारे बच्चों को कॉन्वेंट में भेजा क्योंकि डिग्री अच्छी मिलेगी, डिग्री मिल जाने से ज्ञान नहीं आता, और अगर डिग्री मिलने से ही ज्ञान आता तो तुलसीदास को जरूर किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना पड़ता। जरा बताइए तुलसीदास कौन सी यूनिवर्सिटी में से पीएचडी करके आए? तुलसीदास पर आज पीएचडी की जाती है, लेकिन तुलसीदास ने खुद कभी किसी पीएचडी होल्डर डिग्री में वहां से काम नहीं किया। वाल्मीकि ने कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप की थी, या भगवत गीता जिन्होंने लिखी, व्यास जी ने, वो किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे? और आप बताइए दुनिया जहान की सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें भगवत गीता में है कि नहीं है? जीवन के एक एक क्षण में जहां हम फंस जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा ज्ञान हमको गीता देती। रामचरितमानस और गीता ये दो ऐसे अद्भुत ग्रंथ हैं। रामचरितमानस हमको ये सिखाती है हमेशा कि जीवन में क्या क्या करना चाहिए, और गीता ये बताती है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा ज्ञान जो पुस्तकें देती हो वो किसी डिग्री होल्डर की लिखी हुई पुस्तकें नहीं। और दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में इतने डिग्री होल्डर पैदा हो रहे हैं, एक दूसरी महाभारत कोई क्यों नहीं लिख देता आज, या दूसरी रामायण क्यों नहीं लिखी जाती इस देश में, या दूसरी ऐसी कोई कृति क्यों नहीं पैदा हो रही है जो कालजयी हो और आने वाले सैकड़ों वर्षों तक लोगों को राह दिखाए और रास्ता दिखाए। आज तो बड़े बड़े टॉपर हैं यूनिवर्सिटी, टॉपर होने से, यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलने से, कॉलेज की डिग्री मिलने से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान तो किसी और चीज से आता है, चिंतन से आता है, मनन से आता है, प्रज्ञा पैदा होती है तो ज्ञान पैदा होता है। और वो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि स्कूल में जाए बच्चा तभी पैदा हो। दुनिया के ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बारे में मैं जानता हूं जो कभी स्कूल गए नहीं, लेकिन उनके लिखे हुए नियम सब पढ़ते। न्यूटन कक्षा 9 में फेल हो गया और उसके बाद वो स्कूल नहीं गया, लेकिन न्यूटन की बनाई हुई तमाम चीजें दुनिया भर के लोग पढ़ते। आइंस्टाइन गया नहीं स्कूल, फेल हो गया था, उसके बाद स्कूल जाना बंद कर दिया, और आइंस्टाइन का दिया हुआ फॉर्मूला सारी दुनिया में चलता है। क्यों? अगर स्कूल से और डिग्रियों से ही ज्ञान मिलता होता तो न्यूटन तो ज्ञानी होता ही नहीं, आइंस्टाइन भी अज्ञानी होता, लेकिन ऐसा नहीं। और हिंदुस्तान में ऐसे तमाम दूसरे उदाहरण हैं जो ये सिद्ध करते हैं ज्ञान कभी भी डिग्रियों से नहीं मिलता। और ज्ञान और शिक्षा में बहुत फर्क है, शिक्षा और विद्या में भी बहुत फर्क है। हम लोग हमेशा ये फर्क भूल जाते हैं, हम लोग एजुकेशन को ही सब कुछ मान लेते हैं जबकि एजुकेशन का मतलब कुछ भी नहीं। और मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजी माध्यम की एजुकेशन में तो जितना पढ़ाया जा रहा उसका 95% एकदम बेकार है, बोगस, किसी काम में नहीं आता। और आपके बच्चों को मार मार के जबरदस्ती वही पढ़ाया जाता है जो उनके जीवन में कभी काम नहीं आता। मैं अक्सर लोगों के घरों में जाता हूं, लोग बेचारे अपने बच्चों पर कितना अत्याचार करते हैं। बेटा अंकल आए हैं, जरा कविता तो सुनाओ।
तो बेटा शुरू हो जाता बाबा ब्लैक शीन हैवी यूनिवल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब उस बच्चे से पूछता हूं तुमको मालूम है ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्या? नहीं अंकल मुझको नहीं मालूम। तो काहे को रटवा दिया उसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, काहे को रटवा दिया उसको बाबा ब्लैक शीन, उसको मालूम नहीं कि इसका मतलब क्या। लेकिन बेचारा रटे हुए सुना चला जा रहा कोपट की तरह से तोते की तरह। आप अपने बच्चों को ज्ञानी नहीं बना रहे बल्कि उनको गधा बना रहे। गधा क्या होता है? कभी अपने दिमाग से नहीं सोचता, मालिक जो लादता चला जाता है लादता चला जाता है उसी को लेता हुआ चुपचाप बेचारा चलता जाता है। आप भी बच्चों के ऊपर जो बस्ता लादते चले जा रहे हैं लादते चले जा रहे हैं लादते चले जा रहे हैं। बच्चों का वजन बस्ते के वजन से बहुत कम है, बस्ते का वजन दो गुना ज्यादा। पता नहीं क्या करने वाले हैं आप अपने बच्चों, ऐसे नरक में आपने ढकेल दिया है। उन बच्चों के दिल की आप स्थिति आप नहीं समझ सकते। मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं उस पीड़ा से गुजर चुका हूं, इसलिए मुझे मालूम है क्या तकलीफ होती है क्या दर्द होता है। आपकी झूठी शान और आपकी झूठी प्रतिष्ठा को बनाए रखने में बच्चे को क्या क्या बर्बाद करना पड़ता है अपने जीवन में। और आजकल वो अंग्रेजियत के स्कूल तो ऐसे स्कूल बन गए हैं बिल्कुल बच्चों को जैसे बकरे को हलाल किया जाता है ना वैसे हलाल करते। होमवर्क दे दो होमवर्क दे दो होमवर्क दे, और उस होमवर्क को कराने के लिए फिर आपको ट्यूशन रखवाना पड़ता है अपने बच्चों का, और वो ट्यूशन वाला और आपका बच्चा क्या होता है आपको मालूम ही नहीं। मेरी मां को मालूम नहीं होता था कि उसका बेटा क्या पढ़ा, क्यों नहीं मालूम, क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ता। अगर मातृभाषा में पढ़ता होता तो मेरी मां जानती कि मेरा बेटा क्या पढ़ रहा। आपको अपने बच्चे के बारे में मालूम नहीं है कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ रहा है। और जिस दिन मां और बेटे का ये रिश्ता खत्म हो जाता और उसके बीच में कोई तीसरा आ जाता उसी दिन बच्चे का सत्यानाश शुरू हो जाता। दुनिया के सारे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि मां से बड़ा गुरु बच्चे का कोई नहीं होता, और अंग्रेजियत का एजुकेशन सिस्टम मां और बच्चे के बीच में दीवार बन के खड़ा होता, इसलिए मां अलग होती है बच्चा अलग होता है और एजुकेशन तीसरी ही रास्ते में जाता। ऐसी शिक्षा का करें क्या, और वो शिक्षा दे क्या रही है सिवाय बेरोजगारों की एक फौज पैदा करने के। इस देश में दिया क्या है इस स्कूली शिक्षा ने, कॉलेज की शिक्षा। और वो मैकॉले सही कहा करता था कि हमको इस देश में एक ऐसी फौज तैयार करनी है जो शरीर से हिंदुस्तानी हो आत्मा जिसकी अंग्रेज हो, वो फौज इस देश में हम देखते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सबसे ज्यादा गालियां देते हैं भारतीय संस्कृति में, सबसे ज्यादा गालियां देते हैं अपने देश और सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं अमरीका की और यूरोप की। और यही वो बच्चे हैं कॉन्वेंट से जो निकल कर आते हैं वही हिंदुस्तान छोड़कर अमरीका भागते हैं और यूरोप भागते हैं। भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति को वो कहते हैं कि दकियादूसी अंधविश्वास, और यूरोप की परंपराओं को वो कहते हैं कि ये वैज्ञानिकता, इसी में डेवलपमेंट। माने अपनी संस्कृति को गालियां देना और दूसरी संस्कृति के लिए लार कपका के खड़ा होना, ये मानसिक गुलामी का सबसे पहला लक्षण होता है। वही लक्षण लिए आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं स्कूलों में। अंग्रेज जो नहीं कर पाए अपने जमाने में पूरी ताकत लगा के अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में गांव गांव में गली गली, और अब तो ऐसा सत्यानाश हुआ है बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके पहले रजिस्ट्रेशन कराओ जाके किसी गवर्नमेंट स्कूल में 20-25 हजार का डोनेशन देना है वो भी दे। ये काहे की दौड़ है, किधर भाग रहे हैं क्या किधर रहे हैं? एक मिनट खड़े होकर समझने की कोशिश करिए कि आप कर क्या। और मैं कहूंगा कि आत्मा अगर आपके दिल में नहीं बैठी हुई है तो क्यों ये फैसले करते हैं? क्योंकि यूरोप के देशों में और अमेरिका में और इंग्लैंड के देशों में कॉन्वेंट स्कूल क्यों चलाए गए? उनका अपना इतिहास, और वो इतिहास ये है कि यूरोप के देशों में बच्चे लावारिस छोड़े जाते थे। हजारों साल उनके यहां ये परंपरा रही, बच्चे को पाला नहीं जाता था, हजारों साल बच्चों को लावारिस छोड़ने की परंपरा रही है यूरोप में और इंग्लैंड में। बच्चे पैदा हुए चर्च के सामने छोड़ दिए, बच्चे पैदा हुए अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। तो जो बच्चे लावारिस होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते उनके लिए वहां कॉन्वेंट स्कूल खोले जाते हैं, और कॉन्वेंट का माने होता है कि ऐसे बच्चों का स्कूल, ऐसा स्थान जहां पर लावारिस बच्चों की पढ़ाई होती हो जिनके माँ नहीं जिनके बाप नहीं। हमारे यहाँ तो माँ भी है और बाप भी है, मम्मी और पप्पा के होते हुए कॉन्वेंट में भेज रहे हैं, इसका माने क्या? मम्मी पप्पा के होते हुए उनको लावारिस बनने के लिए जबरदस्ती भेज रहे हैं कि जा बेटा तू कॉन्वेंट में पढ़ के। कुछ नहीं मिल रहा है उस शिक्षण पद्धति से सिवाय बर्बादी के इस देश के, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी, शक्ति की बर्बादी, हर चीज की बर्बादी, और सबसे ज्यादा दिमाग का तनाव जिसमें आप फंसे हैं रात दिन। और उस दिमागी तनाव से अगर कोई सुखद रचनात्मक
खत्म होता तो समझ में आता कुछ भी नहीं हो रहा। और एक आखिरी बात है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजियत इस देश से नहीं। गांधी जी कहा करते थे कि अंग्रेज रहे या न रहे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंग्रेजियत जानी चाहिए। और अंग्रेजियत जानी चाहिए तो वो सारी की सारी अंग्रेजों की व्यवस्था की बात करते, अंग्रेजियत का माने उनसे कोई पूछे तो वो कहते थे कि अंग्रेजों की पूरी व्यवस्था वो इस देश से जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या, गांधी को तो भगा दिया, अंग्रेजियत को इसी देश पर रखा। और गांधी जी जब अंग्रेजियत की व्यवस्था पर टिप्पणी करते थे तो उनकी सबसे कड़ी टिप्पणी थी 1908 और 1909 में, उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को वैश्या कहा था और बांझ भी कहा। और उन्होंने कहा था कि ये जो वैश्यावृत्ति का तंत्र है, यही शब्द थे उनके 1908 और 1909 में। ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम का जब गांधी ने अध्ययन कर लिया पूरी तरह से तो दो ही शब्द इस्तेमाल किए थे उसके, ये वैश्या है और बांझ है। गांधी बहुत अहिंसक व्यक्ति थे, शब्दों का इस्तेमाल करने में भी वो हिंसा मानते थे, इसलिए उन शब्दों को उन्होंने ठीक से चुनाव करके ही बोला और बहुत गहराई से बोला था कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम वैश्या है और बांझ है। और गांधी जी ने यह बात 1908-1909 में कही थी। 1947 में जब आजादी आई, गांधी मानते नहीं थे कि कोई आजादी आई, नोआखली से उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया। आप में से शायद कम लोग जानते होंगे कि 14 अगस्त 1947 की रात को गांधी दिल्ली में नहीं, नोआखली। दिल्ली क्यों नहीं आए? गांधी जी कहते थे कि यह आजादी नहीं आ रही, ये सत्ता का समझौता हो रहा, और वो कहते थे कि मैं इसमें भागीदार बनना नहीं चाहता। और उन्होंने बाकायदा नोआखली से प्रेस स्टेटमेंट किया था कि इस देश की जनता ये बात ध्यान रखे कि 14 अगस्त 1947 की रात को जो सत्ता का बंटवारा हो रहा है उसमें मैं भागीदार नहीं हूं, इसलिए वो आए नहीं थे। सारे बड़े नेता दिग्गज दिल्ली में मौजूद थे लेकिन गांधी नोआखली। और उस समय वहां एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि बापू आपने तो कहा था 1908 और 1909 में कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम वैश्या है और बांझ है, तो गांधी ने कहा था उसमें 1% भी बदलाव नहीं करता, मैं आज भी मानता हूं कि ये वैश्या है और बांझ है। तो पत्रकार ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा ये कुछ दिन के बाद तुमको पता चल जाए। और वो बात आज 50 साल के बाद साबित हो गई, वैश्या कौन होती है। वैश्या के दरवाजे पर राजा जाए या भिखारी, सबकी एक जैसी सेवा करती है। वैश्या के दरवाजे पर विद्वान जाए या बड़े से बड़ा अपराधी, सबकी एक जैसी सेवा करती है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी आज यही हो रहा, बड़े से बड़ा अपराधी भी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठा जिसने 30 मर्डर किए हैं, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी उसी पार्लियामेंट में बैठा है, दोनों एक बराबर है। ये वैश्या के ही दरवाजे पर होता है जो पार्लियामेंट में। और गांधी जी ने बांझ इसलिए कहा था, गांधी जी ने कहा था कि पूरी ताकत तुम लगा देना तो भी इस सिस्टम में से कुछ निकलने वाला नहीं है। आज 50 साल के बाद ये सिद्ध हो गया है कि उसमें से कभी कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए गांधी मना करते थे। गांधी ने तो एक और करारा स्टेटमेंट दिया था आजादी के तुरंत बाद, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो। तो पत्रकार ने पूछा बापू क्यों कह रहे हो ऐसा, तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस देश को वैसे ही लूटेगी जैसे अंग्रेजों ने लूटा था, अगर इसको खत्म नहीं करो। तो लोगों ने कांग्रेस को खत्म नहीं किया लेकिन गांधी को खत्म कर, क्योंकि गांधी उनके रास्ते में रोड़ा बनने लगे, गांधी को तो रास्ते से हटा। और गांधी की कही हुई बात आज सत्य सिद्ध हुई है कि उन्होंने हिंदुस्तान को इतना लूट लिया है जितना कभी अंग्रेजों ने भी शायद इस देश को नहीं लूटा। और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में से कभी कुछ नहीं निकलेगा। आपने कभी सोचा कि ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग इस देश में बनाई किस अंग्रेजों ने? 1925-1926 झोंका हो रहा, और वो कहते थे कि मैं इसमें भागीदार बनना नहीं चाहता। और उन्होंने बाकायदा नोआखली से प्रेस स्टेटमेंट किया था कि इस देश की जनता ये बात ध्यान रखे कि 14 अगस्त 1947 की रात को जो सत्ता का बंटवारा हो रहा है उसमें मैं भागीदार नहीं, इसलिए वो आए नहीं थे। सारे बड़े नेता दिग्गज दिल्ली में मौजूद थे लेकिन गांधी नोआखली। और उस समय वहां एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि बापू आपने तो कहा था 1908 और 1909 में कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम वैश्या है और बांझ है, तो गांधी ने कहा था उसमें 1% भी बदलाव नहीं करता, मैं आज भी मानता हूं कि ये वैश्या है और बांझ है। तो पत्रकार ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा ये कुछ दिन के बाद तुमको पता चल जाए।
और वो बात आज 50 साल के बाद साबित हो गई। वैश्या कौन होती है? वैश्या के दरवाजे पर राजा जाए या भिखारी, सबकी एक जैसी सेवा करती है। वैश्या के दरवाजे पर विद्वान जाए या बड़े से बड़ा अपराधी, सबकी एक जैसी सेवा करती है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी आज यही हो रहा। बड़े से बड़ा अपराधी भी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठा, जिसने 30 मर्डर किए हैं, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी उसी पार्लियामेंट में बैठा है। दोनों एक बराबर है। ये वैश्या के ही दरवाजे पर होता है जो पार्लियामेंट में। गांधी जी ने बांध इसलिए कहा था, गांधी जी ने कहा था कि पूरी ताकत तुम लगा देना तो भी इस सिस्टम में से कुछ निकलने वाला नहीं है। आज 50 साल के बाद ये सिद्ध हो गया है कि उसमें से कभी कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए गांधी मना करते थे। गांधी ने तो एक और करारा स्टेटमेंट दिया था आजादी के तुरंत बाद। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो। तो पत्रकार ने पूछा, बापू क्यों कह रहे हो ऐसा? तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस देश को वैसे ही लूटेगी जैसे अंग्रेजों ने लूटा, अगर इसको खत्म नहीं करो। तो लोगों ने कांग्रेस को खत्म नहीं किया, लेकिन गांधी को खत्म कर दिया, क्योंकि गांधी उनके रास्ते में रोड़ा बनने लगे। गांधी को तो रास्ते से हटाए, और गांधी की कही हुई बात आज सत्य सिद्ध हुई है कि उन्होंने हिंदुस्तान को इतना लूट लिया है जितना कभी अंग्रेजों ने भी शायद इस देश को नहीं लूटा। और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में से कभी कुछ नहीं निकलेगा। आपने कभी सोचा कि ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग इस देश में बनाई किस अंग्रेजों ने? 1925-1926 में ये पार्लियामेंट बना। उसके पहले इस देश में वायसराय की काउंसिल होती थी, उस काउंसिल से पूरा देश चलता। 1925-26 में पार्लियामेंट की इमारत बनी और सेंट्रल लेजिस्लेचर सिस्टम इस देश में शुरू हुआ। लेकिन ये जो पार्लियामेंट की इमारत है, कभी आपने इस पर गौर किया है, ये गोल क्यों? हिंदुस्तान का पार्लियामेंट गोल क्यों? हमारे देश में जो भारतीय वास्तुशास्त्र है ना, उसके नियम के अनुसार गोल इमारतें सबसे अशुभ मानी जाती, सबसे खराब मानी जाती। भारतीय वास्तुशास्त्र में कभी भी कोई इमारत गोल नहीं बनाई जाती। मंदिर भी कभी गोल नहीं बनाए जाते, आधे गोल होते हैं, फिर पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण इमारत ही गोल है, जबकि इस वास्तुशास्त्र के अनुसार वो सबसे अशुभ है, सबसे खराब है। क्यों? गोल जो होता है वो शून्य होता है, और शून्य में से हमेशा शून्य ही निकलता है और कुछ नहीं निकलता। तो 50 साल से इसमें से सिवाय शून्य के और कुछ नहीं निकला, और 50 साल से जिस इमारत में से सिर्फ शून्य निकल रहा है, उस इमारत को चलाने के लिए खर्चा कौन दे रहा? आप दे रहे हैं, हम दे रहे। और कितना पैसा खर्च करते हैं? पार्लियामेंट अगर एक मिनट के लिए चलती है तो 7,000 रुपया खर्च होता है एक मिनट में, और एक साल में कम से कम 8 महीने पार्लियामेंट चलती है, और एक दिन में कम से कम 6-8 घंटे पार्लियामेंट चलती है। उसका हिसाब अगर आप जोड़े एक मिनट के 7,000 रुपए के हिसाब से, तो सैकड़ों करोड़ रुपए का हिसाब बैठता पार्लियामेंट के चलने का। और वो सैकड़ों करोड़ रुपए जो खर्च किए जाते हैं, वो किसकी जेब के? आपकी जेब के हैं, मेरी। और वहां जो सैकड़ों करोड़ रुपए आप खर्च कर देते हैं, उसका नजारा आपने देखा है कभी? जब आपस में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के एमपी लड़ते हैं, तो आपने लड़ते हुए नजारा देखा है कभी? माने एक दूसरे की धोती उतारने में कोई कसर कम रह जाती है क्या? और कभी कभी तो ऐसा नजारा आपने शायद देखा नहीं हो, मैंने देखा। मेरे उत्तर प्रदेश की असेंबली में एक बार ऐसा अद्भुत हुआ कि ये जो माइक होता है, माइक के डंडे निकाल निकाल कर एक दूसरे के सिर तोड़ दिए। और मेज पर जो पेपर वेट रखा रहता, उस पेपर वेट को मारकर सभापति का सिर तोड़ दिया था मेरे उत्तर प्रदेश की असेंबली। और बिहार की असेंबली में तो क्या क्या नहीं होता है, आप उसकी कल्पना नहीं करते। और इनको चलाने का खर्च कौन देता है? आप देते, हम देते। 7,000 रुपए मिनट का खर्चा हम देते। और मैं नहीं कहता, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लोकसभा के जो स्पीकर संगमा था, उन्होंने अभी 2 महीने पहले एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 90 से ज्यादा ऐसे एमपीज हैं जो नोटेड क्रिमिनल्स हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट,
और हिंदुस्तान की तमाम असेंबलीज में, विधानसभाओं में 7,000 से ज्यादा ऐसे एमएलए थे जो नोटेड क्रिमिनल्स हैं, माने जिन्होंने क्राइम किया, जिन्होंने अपराध किए, और ऐसे अपराध किए हैं हत्या करने वाले अपराध, कोई छोटे मोटे अपराध नहीं। तो हत्या करने वाले, अपराध करने वाले लोग पार्लियामेंट में बैठते, जिनको तिहाड़ जेल में अंदर होना चाहिए था वो पार्लियामेंट में बैठे हुए। और दुर्भाग्य से आप ऐसी पार्लियामेंट को झेल रहे हैं और चला रहे हैं। काहे की डेमोक्रेसी है और कौन सी डेमोक्रेसी है? और इस देश में अब तो ये फैशन और शगल बन गया है, जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना ही बड़ा टिकट का दावेदार। और कोई राजनीतिक पार्टी चुनौती देता हूं मैं उनको ये कह नहीं सकती कि उनकी पार्टी में अपराधी नहीं। हर पार्टी सबसे पहले अपराधियों को टिकट बांट रही है। माने सारी की सारी राजनीति ऐसी सड़ गई है कि सिवाय अपराधी के वो काम नहीं चला सकते। तो ऐसे नेताओं को नेता कहें जो अपराधियों के दम पर बंदूक चलाते हैं, और इनको आप नेता कहते हो इस देश का। एक एक पार्लियामेंट के एमपी का एक एक महीने का खर्चा 40,000 रुपए का है, और 40,000 रुपए के खर्चा एक एक एमपी इस देश में करता है महीने भर में, उस पर भी पेट नहीं भरता। तो अगर एमपी कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, हमारा डीए बढ़ा दो, हमारा डीए बढ़ा, और कितना बढ़ाने की बात चल रही है, 70,000 रुपए महीना करवा रहे हैं। और मैं आपको दे रहा हूं पूरी चुनौती से, ये कह रहा हूं कि जिस दिन हिंदुस्तान के एमपी की तनख्वाह बढ़ाने वाला बिल आएगा, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे और वो पारित हो जाएगा। सब पार्टियों के एमपी एक दिशा में खड़े होंगे और सब उसको पारित करेंगे। कोई एक एमपी ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि जिस देश में 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, जिस देश में 40 करोड़ लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता हो, पीने के लिए पानी नहीं मिलता हो, उस देश के प्रतिनिधि 70,000 रुपए महीने खर्च करें, इससे ज्यादा शर्मनाक और दूसरी कौन सी बात है? लेकिन ये आपकी आंखों के सामने है और चल रहा। जब जब नेताओं की तनख्वाह बढ़ाने का मसला आता है, सारी पार्टियां एकजुट होकर उसको पारित करा लेती। जिनको आप नेता कहते हो उनको मैं वेतन भोगी क्लर्क मानता हूं, क्योंकि जो वेतन भोगी क्लर्क होता है वो हल्ला करता है, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मेरा डीए बढ़ाओ, मेरा डीए बढ़ाओ, मेरा एचआरए बढ़ाओ। ये अपने आप को नेता कहलाने वाले लोग भी वैसे ही करते हैं जैसे वेतन भोगी क्लर्क करता है। और इनको आप नेता कहते हैं जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, चार चार ब्लैंकेट कमांडो लेके चलते। और हिंदुस्तान के सिर्फ 10 ऐसे एमपी हैं पार्लियामेंट में जिनके एक साल की सुरक्षा का खर्चा 300 करोड़ रुपए है, सिर्फ 10 एमपी। ये 300 करोड़ का खर्चा कौन दे रहा है? आपकी जेब से जाता है, मेरी जेब से जाता है। क्या कहते हैं साहब? उनकी जान जाने का डर है, माने उनको मरने का डर है। और ऐसे देश में मरने से डरते हैं जहां बार बार जन्म की कल्पनाएं हैं। इस हिंदुस्तान में तो बार बार जन्म मिलता है, पुनर्जन्म होता है, काहे को डरते हो इस देश में मरने से? और मरने से डरते हैं, कोई बहुत कीमती जान हो तो समझ में आता है उसको बचाया जाए। जो कीमती जाने थी इस देश में वो कभी ब्लैक कैट कमांडो लेके नहीं घूमती। महात्मा गांधी के पास कौन से ब्लैक कैट कमांडो थे? उससे बड़ा नेता इस देश में कौन हुआ? उससे बड़ा राजनेता कौन हुआ है दुनिया में? जिस आदमी के मरने पर दुनिया के 50 देशों ने अपने झंडे झुकाए हो, उससे बड़ा नेता दुनिया में कौन हुआ है? उसने तो कभी ब्लैक कैट कमांडोज की बात नहीं की। सरदार भगत सिंह के पास तो कभी ब्लैक कैट कमांडोज नहीं, चंद्रशेखर आजाद के पास तो कभी ब्लैक कैट कमांडोज नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो कभी ब्लैक कैट कमांडो रखने की जरूरत नहीं थी अपनी सुरक्षा में। तो ये इतने बड़े बड़े लोग जो सीधे ब्रिटेन की साम्राज्य शक्तियों से लड़ रहे थे, जिनका दुश्मन उनके सामने खड़ा होता था, और जिनके एक एक पल डर था मौत का, जिनको एक एक पल डर था कि कब अंग्रेजों की गोली आएगी और कब पार चली जाएगी सीने से, उन्होंने कभी ब्लैक कैट कमांडोज नहीं रखे। और ये कल के दुम छल्ले लोग जिनको ठीक से साइकिल चलाना भी नहीं आता था 2 महीने पहले, अब चार चार ब्लैक कैट कमांडोज लेके घूमते और कहते हैं नेता तो इस देश में एक ही था, सुभाष चंद्र बोस। ये तो सब वेतन भोगी क्लर्क हैं। दुर्भाग्य से आपने इन्हीं को नेता कहना शुरू कर दिया। इनमें से नेता कोई है जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, वो देश की क्या रक्षा करेगा?
जरा इस मोटी सी बात को समझिए कि जो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री, जो रक्षा मंत्री, जो वित्त मंत्री अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, वो देश की रक्षा क्या करेगा? ये तो सब नाटक है, आपको बेवकूफ बनाने का, आपको बर्बाद करने का, आपकी जेब से निकाले हुए पैसे को बर्बाद करने का। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम गांधी जी के कहे अनुसार वैसा ही है जो गांधी जी ने कह दिया। 50 साल से इसमें से कुछ नहीं निकला। 50 साल पहले जो देश की समस्याएं थी वो 50 साल बाद भी, 50 साल पहले पीने के पानी की समस्या थी, आजादी के 50 साल के बाद 2 लाख गांव में पीने का पानी नहीं, 50 साल पहले इस देश में 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार थे, 50 साल के बाद 16 करोड़ हो गए, 50 साल पहले इस देश में 4-5 करोड़ लोग गरीब थे, 50 साल के बाद 40 करोड़ हो गए। एक भी समस्या का समाधान नहीं। और ये पार्लियामेंट आज भी उतनी ही गुलाम है अंग्रेजों की जितनी कभी उस जमाने में होती थी। कभी आप लोगों ने सोचा कि हिंदुस्तान की सरकार का बजट 28 फरवरी की शाम को 5 बजे क्यों आता? पार्लियामेंट तो सवेरे 11 बजे चालू हो जाता, बजट शाम को 5 बजे क्यों आता है? कभी आपने इस पर दिमाग लगाया क्यों होता है? इसलिए होता है कि इंग्लैंड में नया फाइनेंशियल ईयर, न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 मार्च से शुरू होता है, तो इंग्लैंड में 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। तो अब तो इंग्लैंड नहीं है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का नया फाइनेंशियल ईयर दिवाली से शुरू होता है। और हिंदुस्तानी पद्धति और भारतीय पद्धति के अनुसार हिंदुस्तान का बजट या तो दिवाली के एक दिन पहले आना चाहिए या दिवाली वाले दिन आना चाहिए, क्योंकि भारतीय पद्धति में सारे देश में नया फाइनेंशियल ईयर दिवाली से शुरू होता है, अंग्रेजों के यहां 1 मार्च से शुरू होता। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजों के जाने के बाद 50 साल बाद भी वही परंपरा चल रही है। और ये शाम को 5 बजे बजट पेश करने की क्या तुक है? अंग्रेजों के जमाने में इस देश में शाम को 5 बजे बजट इसलिए पेश किया जाता था क्योंकि यहां जब शाम के 5 बजते हैं उस समय लंदन के पार्लियामेंट में सवेरे के 2:30 और 11 बजे, तो यहां जब बजट पेश होता था तो लंदन उसकी कमेंट्री जाती थी, तो वहां के एमपी उसको बैठ के सुनते थे। तो अब तो वो नहीं है चक्कर, अब क्यों शाम को 5 बजे बजट पेश किया जाता है? लेकिन गुलामी इतनी जबरदस्त है इन नेताओं के दिमाग में भी कि किसी को यह प्रश्न सूझता नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या? अंग्रेजों के पार्लियामेंट में शनिवार और इतवार की छुट्टी होती है, हिंदुस्तान में भी वही है, शनिवार और इतवार की छुट्टी। और यहां कहते हैं संडे संडे, संडे का माने क्या होता? यूरोप के देशों में कभी कभी कोई दिन सूरज निकलता है, तो जिस दिन सूरज निकलता है उस दिन संडे, हिंदुस्तान में तो एवरी डे संडे। यहां तो रोज सूरज निकलता और आज निकला है तो कल भी निकलेगा, कल निकला है तो परसों भी निकलेगा, परसों निकला है तो नरसों भी निकलेगा, 4 महीने बाद भी निकलेगा, साल भर बाद भी निकलेगा। यहां के संडे मंडे का चक्कर क्या है? अंग्रेजों के जमाने में कोई कोई सुबह ऐसी होती है जो बहुत अच्छी मानी जाती है, जिस दिन सूरज निकल आए, टेम्परेचर कम हो, धूप खिली हुई हो, मौसम साफ हो, तो कहते हैं गुड मॉर्निंग, माने आज की सुबह बहुत अच्छी। तो आपको कोई विश करेगा गुड मॉर्निंग, आप किसी को विश करेंगे गुड मॉर्निंग? हिंदुस्तान में तो एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, जहां कहे तो गुड मॉर्निंग की परंपरा है, लेकिन है करें क्या? वो दिमाग अंग्रेजियत वाला है और उसी अंग्रेजियत वाले दिमाग से पार्लियामेंट चलती। अंग्रेजों ने अपनी पार्लियामेंट में एक कानून बनाया, वो कानून अंग्रेज हिंदुस्तान में लागू करके गए। वो कानून क्या है कि अंग्रेजों की जो पार्लियामेंट है उसमें कानून जब बनते हैं तो कानून की ड्राफ्टिंग करने का काम सेक्रेटरी करते हैं, एमपी नहीं करते, एमएलए नहीं करते। ये अंग्रेजों की परंपरा, वही परंपरा जब वो हिंदुस्तान में रहते थे छत्तीस। अब आजादी से 50 साल आ गए हैं तो भी हिंदुस्तान में यही चलता है, पार्लियामेंट में जितने एमपी जाते हैं या असेंबली में जो एमएलए जाते हैं वो कानून की ड्राफ्टिंग नहीं करते, कानून की ड्राफ्टिंग सेक्रेटरीज करते हैं, एमपी और एमएलए सिर्फ उस पर डिबेट करते हैं और कुछ नहीं करते। अंग्रेजों ने बनाई थी वो परंपरा, उनके अपने हिसाब से उन्होंने बनाई, हम क्यों उसको चला रहे हैं? कौन से तर्क है उसको चलाने के पीछे? और कोई भी राजनीतिक पार्टी इन मूल प्रश्नों को नहीं उठाती क्योंकि किसी को फुर्सत नहीं है, सत्ता की दौड़ से, कुर्सी की दौड़ से किसी को भी बाहर आने की फुर्सत नहीं है। और इसलिए ये सवाल वैसे ही गड्ढे में डाले जाते हैं जैसे अंग्रेजों के जमाने में पढ़ते रहे। इसलिए पूरा का पूरा
पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपका गुलामी वाला है, पूरा का पूरा जुडिशियल स्ट्रक्चर जो न्याय का तंत्र है वो गुलामी वाला है, पूरा का पूरा शिक्षा का तंत्र गुलामी वाला है, और पूरा का पूरा आर्थिक तंत्र आपका गुलामी वाला है। और जो कुछ गुलामी थी अंग्रेजों के जमाने में उससे कई गुना ज्यादा गुलामियां बढ़ाई जा रही है। अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का माल गांव गांव में बिकता था, आज क्या हो रहा, परदेशी कंपनियों का माल गांव गांव गली गली में बिकता। ईस्ट इंडिया कंपनी का माल लोग क्यों खरीदते थे, क्योंकि अंग्रेजों का माल क्वालिटी वाला है, हिंदुस्तानी माल घटिया। आज भी वही तर्क है, विदेशी माल क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उसमें क्वालिटी है और स्वदेशी माल घटिया होता है। पलट के जब मैं किसी से पूछ लेता हूं कि भाई क्या क्वालिटी है परदेशी माल में, तो किसी को नहीं मालूम कि क्या क्वालिटी, बस इतना ही कहते हैं क्वालिटी। और कितना परदेशी कंपनियों का माल हम सब आज खरीदते हैं, अंग्रेजों के जमाने में भी उतना नहीं खरीदा जाता था जितना आज खरीदा जाता आजादी के 50 साल के। सवेरे सवेरे सो के उठते हैं, परदेशी कंपनियों की चाय पीते हैं, सबसे पहले ब्रुकबॉन्ड, लिप्टन, रेड लेवल, ताजमहल, टी सिटी, आईटीसी, गॉडफ्रे, इतनी सारी चाय कॉफी पी के फिर उसके बाद दांत साफ करते हैं, कॉलगेट, क्लोजअप, दिबाका, फॉरहंस, ग्लीम, ग्लो, ढेर सारे टूथपे, और उसके साथ टूथब्रश। फिर उसके बाद दाढ़ी बनाने जाते हैं तो पामोलिव का जवाब नहीं, कपिल देव कहता डेस्मिक का ब्लेड, विल्किंसन सॉल्ट का, बिल्टेक का, तमाम तरह का आफ्टर शेव लोशन, सब परमिशन पर। उसके बाद नहाने के लिए जाते हैं तो साबुन, लक्स, लिरिल, रेक्सोना, पियर, परलाइट, कैमे, पामोलिव, जॉनसन एंड जॉनसन, क्या क्या नहीं मिलता इसमें। उसके बाद कपड़ा धोने के लिए सर्फ, रिन, एरियल, अल्ट्रा, माइक्रोसिस्टम, सब परदेशी कंपनी। उसके बाद पहनने के कपड़े, रेंगलर का जीन, एडिडास का शर्ट, बटरफ्लाई का, बाटा का, प्यूमा का लोगो। हमारे देश में कुछ साल पहले एक परदेशी कंपनी है, उसने क्या फैशन चलाया, एकदम टाइट जीन और एकदम टाइट शर्ट, और इतनी चुस्त होती थी कि चढ़ती नहीं। तो लड़कों को मैं देखता था कि लेट लेट क्या चढ़ाते। अब कुछ दिन के बाद एक दूसरी कंपनी आई, उसने फैशन बदल दिया, एकदम ढीली पैंट और एकदम ढीली, और इतनी ढीली कि एक में दो दो आ जाए। अब आप किसी से पूछो कि भैया क्या पहने हो, कहेगा बैगी। बैगी का माने क्या होता है हमको नहीं मालूम, बस पहने हो। अंग्रेजी में एक शब्द होता है उसको कहते हैं बैगर, बैगर का माने होता है भिखारी। अंग्रेजी में दूसरा शब्द होता है बैगी, बैगी का माने होता है द मैन हु अपीयर्स टू बी अ बैगर, एक आदमी जो दिखने में भिखारी जैसा लगता हो उसको कहते हैं बैगी। और हमारे नौजवान तो चढ़ाए घूमते हैं, हम तो बड़े स्मार्ट। दो मिनट भी दिमाग लगा के सोचते नहीं कि क्या पहने हुए हैं और क्या कर रहे हैं। विदेशी कंपनियों के कपड़े पहन पहन के फिर जूते ऊपर, एडिडास के, बटरफ्लाई के, बाटा के, प्यूमा के, नोटो के, मोजे भी उनके। स्कूल कॉलेज में जाते हैं काम करने के लिए, पेन पेंसिल भी परदेशी कंपनी, रेनॉल्ड का, रोटोमैन का। मैं पूछता हूं भैया क्यों खरीदते हो ये, तो कहते राजीव भाई लिखते लिखते। अगर लिखते ही लिखते सब हो जाए तो हिंदुस्तान के स्कूल कॉलेजों का तो घंटाधार होने वाला है। आप बच्चों को वहां लिखते लिखते सब करने के लिए भेजते हैं कि पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं। और वो पेन पेंसिल खरीद के इस्तेमाल करके घर वापस आते हैं, ऑफिस से, कॉलेज से, चाय कॉफी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, ब्रिटेनिया का बिस्किट, कैडबरी का, नेस्ले का, मारी का। फिर बाजार में जाते हैं तो प्यास लगती है, पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्सअप, लिम्का, सिट्रा, मैंगो फ्रूटी, क्या क्या नहीं पीते। बच्चे घर में जिद करते हैं तो टॉफी चॉकलेट खाते हैं, कैडबरीज की, नेस्ले की, मारी की, क्या क्या नहीं मिलता इस देश में। और रात जब हो जाती है तब कोई बच्चा अपने घर में अपनी अम्मा से कहता है मम्मी मम्मी भूख लगी, मम्मी कहती है बस दो मिनट। दो मिनट में सड़े ना देगी, मैं नहीं बना के देता। अभी कोई बच्चा अपनी अम्मा से भाखरी नहीं मांगता, दूध नहीं मांगता, सब्जी नहीं मांगता, दाल नहीं मांगता, सड़े मैदे की बैगी मांगता, और अम्मा भी बना के देती है और पेट नहीं भरता तो अंकल्स का चिप्स, रफल्स का, हॉस्टेस का, टॉप रैमन का, क्या क्या नहीं मिलता है। और मेरे जैसे लोग को तो बहुत क्रोध आता है।
अभी तो हिंदुस्तान में परदेशी कंपनियों का नमक बिक रहा अन्नपूर्णा। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया दांडी, और एक मुट्ठी नमक हाथ में लेके गांधी ने कसम खाई थी कि आज के बाद इस देश में परदेशी कंपनी का नमक नहीं बिकेगा और कोई नहीं खाएगा। लेकिन आज उसी देश में, गांधी के देश में, हम परदेशी कंपनी का नमक खरीद के खा रहे हैं अन्नपूर्णा। कौन से गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है? नाथूराम गोडसे ने तो गांधी के शरीर की हत्या की, हम सारे लोग तो गांधी की आत्मा की हत्या कर रहे हैं जब हमारे घरों में अन्नपूर्णा नमक है। इतना ये देश गुलामी में गिर गया, घर घर में विदेशी सामान, घर घर में इंपोर्टेड माल। और लोग बराबर यही तर्क देते हैं, राजीव भाई उसमें क्वालिटी है। और मैं लोगों से पलट के पूछता हूं, अच्छा बताइए ब्रुकबॉन्ड की चाय, लिप्टन की चाय, ताजमहल की चाय में क्या क्वालिटी है? तो आपको शायद मालूम नहीं, चाय में कोई क्वालिटी नहीं है, चाय में जहर है। और उस जहर का नाम है टैनिन। और कॉफी भी मैं उससे भी भयंकर जहर है, उसका नाम है कैफीन। ये टैनिन और कैफीन दोनों जहर कैंसर कर देते। एक सिगरेट पीने से जो जहर आपके शरीर में जाता है, उतना ही जहर 3 प्याला चाय पीने से जाता है, 1 प्याला कॉफी पीने से। 25 साल पहले इस देश में कोई चाय पीता नहीं था, कॉफी पीता नहीं था, इसलिए कोई जानता भी नहीं था कि कैंसर नाम की बीमारी क्या होती है। और आज पिछले 20-25 साल से जिसको देखो उसको कैंसर, जिसको सुनो उसको कैंसर। ये कहां से आया? जहर पी रहे हैं तो जहर जैसा शरीर बने, और सवेरे ही सवेरे जहर पी लेते हैं, मुझे तो बड़ा दुख होता है। और ऐसी आदत पड़ गई है जैसे शराबी की आदत होती है। शराबी आदमी को रोज शराब चाहिए, और अगर एक दिन शराब नहीं मिले पीने के लिए तो उसके सिर में दर्द होता, शरीर में दर्द होता, शरीर ढीला ढीला पड़ जाता है। ठीक वही हालत होती है चाय कॉफी पीने वाले की। अगर चाय कॉफी पीने वाले को एक दिन चाय नहीं मिली, एक दिन कॉफी नहीं मिली, तो उसका भी सिर दर्द करता है, शरीर काम नहीं करता। क्यों? ठीक वैसा ही जहर है चाय कॉफी जैसे शराब है, पूरे शरीर को नशे का शिकार बना देता है, वही चाय और कॉफी करता है। और ये आप जान लीजिए कि चाय और कॉफी हिंदुस्तान की पैदाइश नहीं है, अंग्रेज लाए थे इस देश। और अंग्रेजों के जमाने में चाय कॉफी बिकती नहीं थी, तो अंग्रेजी कंपनियां मुफ्त में चाय बांटती और मुफ्त में चाय पिला पिला के इस देश को बर्बाद कर दिया अंग्रेज। और आज हम पैसा देकर खरीद कर चाय पीते हैं, जहर पीने के लिए पैसा देते। और मुझे तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि कई घरों में छोटे छोटे बच्चों के दूध में चाय मिला के पिलाते हैं, बचपन से ही जहर पिला रहे। और बड़े इंटेलिजेंट मम्मी पप्पा है कि खुद तो बर्बाद हो जाए, बच्चों को भी बर्बाद कर। और वो चाय कॉफी जैसा जहर पी पी के अपना शरीर तो बर्बाद कर ही रहे, हिंदुस्तान भी बर्बाद हो रहा। हिंदुस्तान क्या बर्बाद हो रहा? ये परदेशी कंपनियों की चाय कॉफी जब बिकती है तो 5,600 करोड़ रुपया वो यहां से ले जाते हैं। जहर बेचते हैं, किसी काम की नहीं जो चीज वो बेची जाती है, और 5,600 करोड़ रुपया हिंदुस्तान से बाहर जाता है। तब आप पूछेंगे कि क्या करें? जितनी जल्दी हो चाय कॉफी पीना बंद कर दीजिए, और बच्चों को तो बिल्कुल बंद करा दीजिए। आप पूछेंगे क्या पिए? हिंदुस्तान में पीने के लिए बहुत कुछ है, दही की छाछ, दही की लस्सी, नींबू का शरबत, नारियल का पानी, संतरे का रस, मौसम्बी का रस, गन्ने का रस, केरी का रस, क्या नहीं है पीने पिलाने के लिए। हजारों तरह के शरबत बनते हैं, दक्षिण से उत्तर भारत तक चले जाए, हजारों किस्म के प्रिपरेशन है इस देश में, कहीं भी चले जाए, लेकिन वो सब भूलते जा रहे हैं, चाय पीते चले जा रहे हैं। और कई लोग कहते हैं कि राजीव भाई सब लोग दूध नहीं पी सकते, सब लोग छाछ नहीं पी सकते, तो उनके लिए मैं कहता हूं कि कुछ नहीं कर सकते तो गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं। और आपको मैं बताऊं कि यह गर्म पानी बहुत बड़ी चीज है। यूरोप में और अमरीका में सामान्यतः हर व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन का मरीज है, कब्जियत का शिकार। क्यों शिकार है वहां कब्जियत के लोग? क्योंकि हमेशा ठंडा पानी पीते हैं, और फ्रिज के पानी में भी बर्फ डाल डाल के पीते हैं, इसलिए कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन करना हो तो फ्रिज का पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी हो जाए, पेट भी बर्बाद हो। और अगर कॉन्स्टिपेशन से आपको मुक्ति पानी है तो गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए। और मैं तो लोगों से कहता हूं कि जो मेहमान आता है वो आपका भगवान है कि दुश्मन? खुद मरे
करेंगे चाय कॉफी पी के, मेहमान को भी मार रहे हैं चाय कॉफी पिला के बाद। इसलिए अगर मेहमान की अतिथि देवो भवे वाली परंपरा का स्वागत करना है तो खुद गर्म पानी पीजिए, मेहमान को भी एक गिलास गर्म पानी पिलाइए। एक पैसे का खर्चा नहीं होने वाला, गर्म पानी बनाने में एक पैसे का खर्चा नहीं होने वाला। और जो लोग जैन धर्म का पालन करते हैं उनके यहाँ तो गर्म पानी धार्मिक रूप से सबसे जरूरी माना जाता है। ये धार्मिक रूप से जो जरूरी माना जाता है वो बहुत वैज्ञानिक चीज है, वो कोई छोटी मोटी चीज है। इसलिए आप मेरा एक निवेदन स्वीकार करें कि चाय कॉफी पीना बंद करें, हिंदुस्तान का 5,600 करोड़ बचेगा। और गर्म पानी पिए दूसरे को पिलाए या कोई दूसरी चीज पिए दूसरे को पिलाए, हिंदुस्तान का कुछ भला हो सकता है। इस आर्थिक गुलामी में जो हम फंस गए हैं परदेशी कंपनियों की, इसमें से हम बाहर आ। और दूसरा, हम लोग ये जो टूथपेस्ट करते हैं कॉलगेट क्लोजअप सेवा का फौरन, क्या समझ के करते हैं? ये समझ के करते हैं कि कॉलगेट सांस की बदबू दूर करता है, दांतों की सड़न दूर करता। मैं कभी कभी कहता हूं जब कॉलगेट नहीं था तो सबके दांत सड़ जाते होंगे और सबकी दांत में बदबू आती होती। और ये बात हम हमारे बुजुर्गों से पूछें, उन बुजुर्गों के जमाने में तो कॉलगेट होता नहीं था, तो उनसे पूछे कि आपके दांत तो सड़ गए होंगे और आपके सांस में इतनी बदबू आती होगी कि कोई आपके पास नहीं बैठता, तो आपको पता चलेगा कि हमारे बुजुर्गों के दांत हमसे ज्यादा अच्छे। क्यों? क्योंकि लीबड़ा का दातुन करते हैं, बबूल का दातुन करते हैं और उंगली से करने वाला मंजन करते हैं। दुनिया में सबसे अच्छी चीज है लीबड़ा का दातुन, बेस्ट क्वालिटी। और सबसे रद्दी चीज है कॉलगेट का टूथपेस्ट। जो सबसे रद्दी है कॉलगेट टूथपेस्ट वो सबसे ज्यादा बिकता, घर घर में बिकता। पता है क्यों है? कॉलगेट का टूथपेस्ट, क्लोजअप सेवा का फॉरहन, ये सब बनते हैं मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूड़े। और ये मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूड़ा आता कहां से? आपके बाजू में कतल कारखाना है ना देवनार का, यहां 10,000 पशु रोज कटते हैं। और यहां जो 10,000 पशु रोज कटते हैं इनका मांस तो चला जाता है बिकने के लिए, इनकी हड्डियों का क्या होता? उनकी हड्डियों को ये खरीदते हैं टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी, उनको सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाते हैं, उससे टूथपेस्ट बनता और सवेरे ही सवेरे उठ के अपने अपने मुंह से रगड़ते। क्या जानवरों की हड्डियों का चूड़ा! और फिर कहते हैं सांस की बदबू दूर हो रही है, दांतों की सड़न दूर हो रही है। 100% इडियोसिटी, एक भी क्वालिटी। और ये जितने टूथपेस्ट है उनमें एक जहर और, फ्लोराइड नाम का जहर। ये फ्लोराइड नाम का जहर फ्लोरोसिस बीमारी करता। और तीसरा एक और जहर सिंथेटिक डिटर्जेंट। ये सिंथेटिक डिटर्जेंट कोई चीज है जो सर्फ में और रिंग में मिलाई जाती है झाग पैदा करने के लिए, वही टूथपेस्ट में डाली। और ये तीनों जहर एक साथ आप इस्तेमाल करते हैं जब आप पेस्ट करते हैं। समझते तो आप अपने आप को बहुत स्मार्ट है, लेकिन है आप दुनिया के नंबर एक के इडियट्स। और इस देश में कॉलगेट पता है क्यों मिलता? आपके घर में एक टेलीविजन रखा, उसको मैं इडियट बॉक्स, वो टेलीविजन क्या दिखाता? दो पति पत्नी साथ साथ चलते हैं, थोड़ी देर के बाद पति मुंह फेर ले, कहती है कैसे कहूं इनकी सांस में बदबू आ रही है। तो उसकी सहेली कहती है चल मेरे साथ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं अरे कॉलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं, सांस में बदबू तो आएगी। फिर उनके घर में कॉलगेट आ जाता, उनके मिस्टर जिनकी सांस में बदबू आती है वो कॉलगेट रगड़ते, कॉलगेट रगड़ने के बाद दिखाते हैं उनकी पत्नी उनके नजदीक आ जाती है, नीचे एक लाइन लिखते हैं दूरियां नजदीकियां बनी। जानते हैं इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि दो पति पत्नी अगर कॉलगेट नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, कॉलगेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे। तो आप बताइए इससे बड़ी इडियोसिटी कोई दूसरी हो सकती है? भारतीय संस्कृति कहती है कि पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, परस्पर सद्भाव, परस्पर सम्मान पर टिका होता। इडियट बॉक्स कह रहा है नहीं, कॉलगेट पेस्ट पर टिका होगा। और इस इडियोसिटी के चक्कर में आके आप कॉलगेट खरीदते ताकि उसकी क्वालिटी दे। और आपको एक जानकारी और दे दूं, कॉलगेट टूथपेस्ट पर ISI मार्क नहीं है, क्लोजअप पर भी नहीं, सिबाका पर भी नहीं है, फॉरहन पर भी नहीं। ISI मार्क किसको मिलता? जिस पेस्ट में, जिस वस्तु में क्वालिटी होती है उन्हीं को ISI मार्क मिलता। कॉलगेट क्लोजअप सबसे रद्दी टूथपेस्ट है इसलिए इसको ISI मार्क नहीं मिलता।
लेकिन दुर्भाग्य से वो सबसे ज्यादा बिकते हैं क्योंकि आपके दिमाग को उल्टा कर दिया है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है टूथब्रश, जो प्लास्टिक का होता है, आप उसको खरीद कर ले आते हैं अपना मुंह रगड़ने के लिए। आपको मालूम नहीं है प्लास्टिक दुनिया की सबसे रद्दी चीज है। दुनिया के सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि प्लास्टिक की रखी हुई कोई चीज खाने लायक नहीं होती। मुंह में डालने की बात तो बहुत ही दूर, जहर। लेकिन हम क्या करते हैं, वही प्लास्टिक के ब्रश को रोज रगड़ते हैं अपने मुंह से। और आप शायद जानते होंगे कि कोई भी नए से नया प्लास्टिक का ब्रश ले आइए, 15-20 दिन के बाद उसमें सफेद सफेद पीला पीला जम जाता है नीचे। और वो जो सफेद सफेद पीला पीला जम जाता है उसमें सैकड़ों तरह के जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया पनपते हैं और उसको हम पता नहीं कैसे मुंह से रगड़ते हैं। कितना अनहाइजीनिक है लेकिन पता नहीं कैसे मुंह में चला जाता है, मेरे तो समझ में नहीं। और इसके विपरीत आप पूछें तब क्या करें, दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का टूथब्रश है लिमड़ा का धातु, नीम का धातु। बेस्ट क्वालिटी का टूथब्रश है बबूल का धातु। लिमड़ा का धातु खरीदिए, बबूल का धातु खरीदिए। आपको शायद मालूम नहीं है, अमरीका में और जर्मनी में कैंसर की सबसे अच्छी दवाएं नीम के पेड़ से बनती है, लेकिन इन दोनों देशों में नीम नहीं होता। तो नीम जाता कहां से, हिंदुस्तान से जाता। और अमरीका की एक कंपनी ने नीम पर पेटेंट करा लिया है ताकि आगे आने वाले समय में उस नीम का दोहन कर सके और उससे बिलियन डॉलर कमा सके। हमको मालूम नहीं, हर घर के सामने नीम का पेड़। आप कहेंगे आएगा कहां से लिमड़ा का धातु, बबूल का धातु। मैं बंबई के हर स्टेशन पर देखता हूं नीम का दातुन बिकता, बबूल का दातुन बिकता। और जो दातुन बेचने वाले लोग हैं वो सबसे गरीब लोग हैं आपके समाज। अगर आप पेस्ट खरीदना बंद करके उनका दातुन खरीदना शुरू करें तो आपका पैसा उस गरीब आदमी के पास जाएगा। और उस गरीब आदमी को अगर पैसा मिलेगा तो उसकी रोजी रोटी चलेगी। और गरीब और भूखे आदमी को भोजन देना सबसे बड़ा धर्म है दुनिया का। तो आप दातुन ही नहीं खरीदेंगे बल्कि दुनिया के सबसे बड़े धर्म का पालन करेंगे। और हिंदुस्तान का हर साल 480 करोड़ रुपया बचे। ये कॉलगेट कंपनी अमेरिका की, हॉरहंस स्विट्जरलैंड की, सिवागा भी स्विस कंपनी, और पेप्सोडेंट डच कंपनी। ये चार पांच कंपनियां एक साल में 480 करोड़ कमा के ले जाती। कॉलगेट कंपनी आई थी, 50,000 रुपए से धंधा शुरू किया, आज इस कंपनी का एक साल का मुनाफा 100 करोड़ रुपए के आसपास। ये लूट कर ले जाती है आपको, बेवकूफ बना के। कोई क्वालिटी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उस सामान। तब आप नीम का दातुन करें, बबूल का दातुन करें। और कोई कहता है कि हमसे दातुन होता नहीं, तो आप उंगली से करने वाला कोई भी मंजन करिए। लाल दंत मंजन बिकता, काला दंत मंजन बिकता। इस देश में सबसे अच्छा दंत मंजन घर में है, नमक है, मीट, उसमें थोड़ा तेल डालिए, उससे बढ़िया दंत मंजन कोई दूसरा। और आप जब उंगली से मंजन करेंगे तो आपको मालूम नहीं कितनी बड़ी एक्सरसाइज आप करते हैं। ये जो आपकी दाहिने हाथ की पहली उंगली होती है, इसमें एक मेरिडियन पॉइंट होता, लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट उसको कहते हैं। जितनी देर आप मालिश करते हैं उतनी उंगली से, उतनी देर ये पॉइंट दबता है और आपकी बड़ी आंख की मालिश होती है। दांत की सफाई के साथ साथ बड़ी आंख की मालिश होती है। इतना बड़ा वैज्ञानिक कर्म है उंगली से मंजन करना। लेकिन हम भूलते चले जा रहे हैं क्योंकि इडियट फॉक्स हमको उल्टी उल्टी बातें सिखाते, वो ये सीधी बातें कभी नहीं बताते, उल्टी उल्टी बातें। इसलिए आप इस इडियोसिटी में से बाहर निकलें तो हिंदुस्तान का भला हो जाए। 480 करोड़ बचे। ऐसे ये तीसरा निवेदन मेरा है कि आपके घर में जो साबुन आता लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, ये बंद कर दीजिए। कैवे कैसे साबुन लक्स क्यों लगाते हैं, तो कहते हैं माधुरी दीक्षित कहते देवा वाली के। और मैं आपको जानकारी दूं कि माधुरी दीक्षित कभी लक्स से नहीं नहा, हेमा मालिनी भी नहीं नहा, लेकिन रोज आपको नहलाती, खुद कभी नहीं नहा। वो पता है किससे नहाती है, ये जितनी फिल्मी हीरोइन है कोई भी साबुन नहीं लगाती, ये सब नहाते हैं चने के लोट से। चने के लोट में हल्दी का पाउडर डालते हैं, उसमें चंदन का पाउडर, और उसमें खोपरे का तेल, नारियल का तेल, उससे नहाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की त्वचा बहुत कीमती है। और दुनिया के सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि जितना साबुन लगाएंगे त्वचा उतनी ही बेकार होती चली जाती। आप साबुन लगाइए जाड़े के दिनों में, साबुन लगाने के बाद जब आपका शरीर सूख जाए तो नाखून से ऐसे लाइन खींचे, सफेद रंग की लाइन खींचेगी। और कुछ लोगों का तो पूरा शरीर ही सफेद सफेद हो जाता है, जानते हैं क्यों? साबुन का कचरा शरीर की त्वचा से चिपक जाता है, चाहे जितना पानी डालिए धुलता नहीं। इसलिए साबुन दुनिया की सबसे रद्दी चीज है। तो आप
पूछेंगे फिर बेस्ट क्वालिटी क्या है, बेस्ट क्वालिटी है मुल्तानी मिट्टी, हजारों साल से इस देश में कोई इस्तेमाल होती है, उससे बढ़िया क्वालिटी कहीं नहीं। और मुल्तानी मिट्टी को रात में आप दूध में भिगो दीजिए कच्चे दूध में, सुबह इतनी मुलायम हो जाएगी, नहाने से पहले साबुन की तरह से रगड़ लीजिए, गर्म पानी से नहा लीजिए, एकदम शरीर फ्रेश। या मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ले आइए, अरीठा का पाउडर ले आइए, अर्शिका का ही पाउडर ले आइए, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला के डिब्बे में बंद करके रख लीजिए, नहाने से 20 मिनट पहले एक चम्मच पाउडर गर्म पानी में डाल दीजिए और उस गर्म पानी से पूरे शरीर को रगड़ के नहा दीजिए, एकदम साफ हो जाए। गर्म पानी करिए, उसमें नींबू निचोड़ दीजिए और उस नींबू निचोड़े हुए पानी से नहा लीजिए, कभी भी शरीर में पसीने की बदबू नहीं है। लेकिन ये सब बातें इडियट बॉक्स नहीं बताते, वो तो उल्टी उल्टी बात बताता, वो दिखाता है कि साबुन दूध से बनता, दुनिया में कोई भी साबुन दूध से नहीं बनता, सारे साबुन बनते हैं कास्टिक सोडा से। लेकिन रोज यूनिवर्सिटी देखा, और ये साबुन बनाने वाली कंपनियां कैसे आपकी जेब काटती हैं, इसका एक ही उदाहरण दे दी, जॉनसन एंड जॉनसन नाम की एक कंपनी है, उसका साबुन बिकता है 30 रुपए का 50 ग्राम, 60 रुपए का 100 ग्राम, 600 रुपए का 1 किलोग्राम। अब बताइए कि 600 रुपए का 1 किलोग्राम साबुन और 140 रुपए का 1 किलोग्राम गाय का घी क्या खरीदे? जो स्मार्ट है 600 रुपए का 1 किलोग्राम साबुन खरीदे, क्योंकि वो कहेंगे कि हमारी स्मार्टनेस किसमें है, 600 रुपए का 1 किलोग्राम साबुन खरीदो, शरीर पर रगड़ो और पानी में बहा दो, ये है स्मार्टनेस। और 140 रुपए का 1 किलोग्राम गाय का घी खरीद के खाओ तो नाक चढ़ाएंगे, क्या फालतू की बात करते, गाय का घी खा, ये दिमाग हो गया है, मानस एकदम उल्टा चल रहा है। यूनिवर्सिटी इसी को कहते, किसी भी साबुन में कोई क्वालिटी नहीं है, सारे साबुन रद्दी क्वालिटी है, इसलिए इन सारे साबुनों को खरीदना बंद करके अपने अपने घर में आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। फायदा क्या होगा हिंदुस्तान की सरकार का छोड़ो, देश के अपने लोगों का, आपकी जेब का, मेरी जेब का, करीब 500 करोड़ रुपया बचे जो बर्बाद हो जाता है साल इस साबुन खरीद। और ऐसे ही एक छोटा सा निवेदन है कि आप अपने घर में ये पेप्सी कोला और कोका कोला जैसी चीजों की एंट्री बंद कर दीजिए, बहुत ही खतरनाक जहर है पेप्सी कोला और कोका, दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर के बाहर निकाला जाता है और हम उसके साथ उसको अंदर पी कर ले जाते हैं। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ दो जहर और है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ साथ सोडियम ग्लूटामेट और एक है पोटेशियम सॉर्बेट, ये सारे के सारे ऐसे जहर हैं जो कैंसर कर देते हैं। और ये जहर मिलाकर जो बिक रहा है उसको लहर पेप्सी कहें कि जहर पेप्सी कहें, और गांव गांव गली गली में घुस गया है ये जहर पेप्सी, और जिस नौजवान को देखिए वही पी रहा है, जिसको देखिए वही पी रहा है, एक स्मार्टनेस का सिंबल बन गया है लहर पेप्सी। और मैं उन सबसे कह रहा हूं कि आप लहर नहीं जहर पी रहे हैं, और कुछ दिन के बाद आप तैयारी रखिए अपने अपने बीमार होने, क्योंकि यही बंबई के एक कॉलेज में एक कॉम्पिटिशन हुआ लहर पेप्सी पीने का, बंबई में आजकल ये सब चल गया, पढ़ाई लिखाई तो बंद हो गई, या तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं या लहर पेप्सी पीने के कॉम्पिटिशन होते हैं। तो एक कॉलेज में कॉम्पिटिशन हुआ, एक घंटे में एक बच्चे ने 9 बोतल पी लिया और दूसरे बच्चे ने 8 बोतल पिया, दोनों मर गए। प्रिंसिपल साहब ने एडमिट किया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने कहा कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड पी लिया है कि अब इनको बचाना बहुत मुश्किल है, इतना खतरनाक जहर है लहर पेप्सी और कोका कोला, लेकिन उसी को आपके बच्चे पी रहे हैं, आपको मालूम नहीं है क्या हो रहा है। और साथ साथ देश की बर्बादी क्या हो रही है, 70 पैसे की बोतल बनती है पेप्सी और कोका कोला, उसको बेचते हैं 8 रुपए में 9 रुपए में 10 रुपए, एक एक बोतल पर कितने रुपए का फायदा, और हर साल ये पेप्सी कोला 240 करोड़ रुपए कमा के ले जाता है अमरीका, और कोका कोला की करीब 260 करोड़ कमा के ले जाता है, 500 करोड़ रुपया तो सिर्फ उनका पानी बेचकर वो हिंदुस्तान से ले जाता है। इस देश के 2 लाख गांव में पीने का पानी नहीं और हम पेप्सी और कोका कोला पीते। और मैं कभी कभी लोगों से कहता हूं कि जब भी आपके हाथ में पेप्सी और कोका कोला की बोतल आए, बोतल को मुंह से लगाने के 1 मिनट पहले बस एक चीज सोचिए, देश के उन करोड़ों लोगों का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए जिनको पीने का पानी नहीं मिलता, और उन करोड़ों लोगों
लोगों के बारे में सोचिए कि इनको पीने का पानी नहीं मिलता, मैं विदेशी कंपनी का पानी पीऊं, तब आपका दिल अंदर से कहेगा कि तुम इससे बड़ा ज्यादा राष्ट्रीय अपराध कोई कर नहीं सकते, और हो सकता है वो बोतल आपके हाथ से छूट जाए। इतनी सी बात बस याद रखिए कि जब भी आपके हाथ में पेप्सी कोला की बोतल आए, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का चेहरा याद करके जिनको पीने का पानी नहीं मिल रहा क्योंकि आप पेप्सी और कोका पी रहे, क्योंकि 500 करोड़ रुपया देश के बाहर जाए, ये 500 करोड़ रुपया अगर बाहर जाना रुक जाता तो हिंदुस्तान के 2 लाख गांव को पीने का पानी मिल सकता। ये छोटे छोटे काम है लेकिन करें तो बहुत बड़े साबित होंगे। और अगर इन विदेशी कंपनियों का घर घर से बहिष्कार शुरू हो जाए तो आपको मालूम नहीं कि साल में 70,000 करोड़ रुपया बचेगा। और इन पेप्सी कोला कोका कोला जैसे जहर, चाय कॉफी जैसे जहर से भी ज्यादा खतरनाक कुछ जहर जैसे बीड़ी तंबाकू और वो पान पराग और गुटखा, ये गुटखा का जहर ऐसे ही शुरू हुआ था जैसे अंग्रेजों ने चाय कॉफी का जहर शुरू किया। चाय कॉफी उन्होंने कैसे देखी, मुफ्त में पहले पिलाते थे, गुटखा कैसे आया इस देश में, मुफ्त में बांटा जाता। मुझे मेरे बचपन का याद है, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था